वादा करते हैं तुम्हें खुश रखने का वादा। हमारे लिए दोस्त और आपके लिए जमीला, मेरा मतलब है आपकी सास। हिबा आप इस घर में नहीं रहेगी। अनुषे ने मुझे अपने साथ रैंबा टेप में फंसाने की कोशिश की है। बाबा दानियार, दानियार! आपकी गिरफ्तारी के वारंट है मैडम, आप पर हसीना बेगम की तिजोरी से माल गायब करने का इल्जाम है। कौन? अरे, बेटा वो अभी हिबा बाहर गई थी, वो वापस नहीं आई। क्या? मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि हिबा कहाँ है। मैं तुझे बताता हूँ। डैड, ये मेडिसिन ले लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और आप लेट क्यों हो गए? आपको जल्दी जाना था ना। अच्छा, मुझे जल्दी जाना था इसलिए आप लेट हो गए। हमने सोचा कि आप तो चली गई होंगी, तो थोड़ी देर के लिए आरिफ के पास रुक गए। मैं आपको कभी छोड़ के गई हूँ? आप हमें कभी छोड़ के नहीं गई, लेकिन बेटा बेटियों को कभी ना कभी तो छोड़ के जाना ही होता है। प्लीज डैड, फॉर गॉड सेक, इस तरह की बातें मत किया करें। इस तरह की बातें करके आप मेरा मूड स्पॉइल कर देते हैं। हर लड़कियां वो चाहती होंगी जिनके डैड अकेले नहीं रहते होंगे। बट आई विल नेवर गो। अच्छा सुने, मैंने आपकी पसंद का ब्रेकफास्ट रेडी करवा दिया, यहां से कर लीजिएगा। बाय। बाय। रियली सॉरी यार, असल में वो पढ़ाई के दौरान कॉल आ गई, सिस्टर्स आ गई उसकी, वरना कॉल लंबी हो जाती शायद। कोई बात नहीं जनाब। वैसे एक बात मैं शुक्र अदा कर रहा था। वो क्या? वो तो अच्छा हुआ कि जनाब को मोहब्बत थोड़ी लेट हुई, वरना आपकी पढ़ाई हो जानी थी। बात सुन, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई में बहुत संजीदा हूँ, इसलिए कब से बैठा तेरे साथ प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं। एमी सर नहीं खपा रहा मैं। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे क्यों ले रहे हो? दिल पे नहीं लिया मैंने, लेकिन तुझे मशवरा दूंगा कि ये बात दिल पे ले ले अगर तू वाकई में हिबा से मोहब्बत करता है तो, वरना पछताएगा फिर। मतलब वही है जो तुम्हें इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिबा को रियलाइज करवाओ कि तुम उसके दोस्त नहीं हो, उससे मोहब्बत करते हो और शादी करना चाहते हो उससे। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं, यकीनन ठीक कह रहा हूँ। यार मैं तुम दोनों से बहुत मुखलिस हूँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकोगे और उससे तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकेगा। मैं अक्सर यही सोचता रहता हूँ कि दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोचती, उसकी जिंदगी का मकसद ही उसका उसके वालिद की खिदमत है। देख, चार साल में जितना उसे मैंने समझा है उसके मुताबिक तो यह है कि वो अपने फादर से बहुत प्यार करती है, उनके लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी खुशियां तक कुर्बान कर सकती है, और ये बात उसके दिल में बैठ चुकी है कि उससे बेहतर अपने फादर की लुक आफ्टर कोई और नहीं कर सकता। यही मैं भी सोचता रहता हूँ, और एक बात का डर दिल में लिए बैठा रहता हूँ, कैसा ना मैं कोई और बात करूँ और वो मेरी दोस्त है और वो दोस्ती भी ख़त्म ना हो जाए। हाँ लेकिन यार उसको इस चीज़ से निकाला कैसे जाए? यही मैं सोच रहा हूँ, ऐसा क्या हो कि वो मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे और मेरी सारी बात को समझ भी जाए। और ये काम वही शख्स कर सकता है जो कि उसके बहुत क्लोज हो। उसके फादर। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके फादर के अलावा उसे और कोई कन्विंस नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि अगर तुम हिबा से मोहब्बत करते हो, उसे पाना चाहते हो, तो उसके फादर के पास जाओ, उनको कन्विंस करने की कोशिश करो। मगर मैं ये बात कैसे कहूंगा, क्या ये अच्छा लगेगा? देख भाई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसके फादर को कन्विंस किए बगैर अगर वहां पे गए तो हिबा से भी पिटोगे और अपनी फैमिली से भी। खैर अब ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातों पे गौर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बात पे गौर करने के लिए टाइम निकाला। यस, हाँ भेज दीजिए प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
प्लीज से चाहिए। जी बेटा कैसे आना हुआ? I'm really sorry अंकल, मैं बगैर अपॉइंटमेंट के आ गया आपके पास। अरे नो इश्यूज माय सन, आप हमारी बेटी के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यू लाइक माय सन। थैंक यू सर। तो बताइए कैसे आना हुआ? सर एक्चुअली मैं और हिबा साथ पढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट, होल्ड ऑन, आप ये बताइए पहले चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे ठंडा क्या लेंगे आप? थैंक यू सर कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताइए अहमद भैया, फादर क्या करते हैं आप? जी सर वो कपड़े के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। और आप क्या करना चाहेंगे आगे बढ़कर? आर्किटेक्चर किया है तो ऑब्वियसली उसे ही कंटिन्यू करूंगा। अच्छा वैसे हमारी बेटी बड़ा जिक्र करती है आपका, जारा का, दानियाल का। जी इकट्ठे 4 साल गुजारे हैं हमने और काफी अच्छा वक्त गुजरा है। अच्छा हम देख रहे हैं कि आप भी हमारी बेटी की तरह पढ़ाई के शौकीन हैं। हाँ हिबा जितना तो नहीं मगर कोशिश करते कि हम स्टडी में मुकाबला करेंगे दूसरे के साथ। देखिए अहमद भैया आप अपने और हिबा के बारे में जो हमें बताना चाहते हैं तो हम जान भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। वैसे कीजिए कि कमिंग फ्राइडे को अपने पेरेंट्स के साथ हमारे घर तशरीफ लाइए, वहाँ इत्मीनान से आपके साथ बातें होंगी बाकी। थैंक यू सो मच सर आपने मुझे टाइम दिया। यू मोस्ट वेलकम माय सर। वैसे सर हिबा आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहते थे, आप बहुत मुख्तलिफ हैं लोगों से, लविंग हैं, केयरिंग हैं आप। चलिए आप घर आइए ना, ये तो वहाँ आके पता चलेगा आपको कि वो सही कहती हैं या गलत। अच्छा एक मिनट, चाय पी बगैर नहीं आने देंगे आप। चालिया वेयर इज द कप ऑफ टी? हाँ नहीं हुकूमत को कोई पता नहीं चल रहा कि जा रही है जा रही है। क्या लगता है आपको? डैड कहाँ है आप? आई एम सॉरी डैड टुडे आई एम लेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। डैड आप अपने गेस्ट के साथ बैठे, मैं कमरे में जाती हूँ। अरे बेटा हिबा ये हमारे पुराने दोस्त जरूर हैं लेकिन ये एक नया रिश्ता जोड़ने आए हैं तुम्हारे साथ। ये रिश्ता लेकर आए हैं अपने बेटे अहमद के लिए। तुम तैयार होके आ जाओ ना, देर है बेटा। मगर डैड मुझे इन लोगों से नहीं मिलना। हिबा ये हमारे खेस। इनफ डैड, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। आपने आज से पहले जो कुछ बातें कही थी ना, आज वो सारी बातें गलत साबित हो गई। This is not fair. हिबा बेटा ये हमारे मेहमान हैं। आपको पता है आपने हमसे कमिटमेंट की हुई थी, क्या हुआ उस कमिटमेंट का? But they are not my guest. Sorry for my behavior. But इन्हें मैंने इनवाइट नहीं किया और ना ही मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि ये लोग आए। Excuse me. हिबा बात सुने आप, वो आई थिंक बहुत प्रेशर में है। ऐसी है नहीं हमारी बेटी, बहुत अच्छी बेटी है, बस वो दरअसल गलती मेरी है, मैंने इन्फॉर्म भी तो नहीं किया है। सॉरी मैं थोड़ा काम में मसरूफ था। नो एक्चुअली आई एम सॉरी, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं बिल्कुल भी नहीं फरहाना, आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। फरमाइए। बस एक्चुअली मुझे आपकी बेटी बहुत प्यारी लगी, सोचा थोड़ा सा और वक्त गुजारूं, बातचीत करूं उसके साथ। बड़ी हैरत हुई हमें लेकिन इस मौजू पे बात नहीं हो सकेगी हमारी आपकी। क्यों? दरअसल बिना माँ के बच्चे हैं वो, इसलिए माँ बाप बनकर पाला है हमने उन्हें। हिबा हमारी बेटी नहीं है, हम दोस्त हैं उसके, इसलिए कोई भी बात कितनी छोटी क्यों ना हो हम उसके मशवरे के बगैर नहीं करते।
इसलिए हाँ नहीं कर सकेंगे जब तक वो नहीं कहेंगे। सलाम अलैकुम। आप फिर आओ बेटा, फरहाना आपसे मिलने आई है, बात करना चाहती हैं, बहुत पसंद कर रही हैं आपको। आपके डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्चुअली मुझे आप बहुत प्यारी लगी। कल की मुलाकात तो जरा फॉर्मल थी, बातचीत नहीं हो सकी, इसलिए मैं फिर आ गई। आर यू श्योर? जी। तो भी ठीक है, वैसे भी डैड को वॉक पे जाना है, हम लोग बैठ के चाय पी। यस, आई हैव टू गो फॉर अ वॉक। ऑलराइट गर्ल्स, आई विल सी यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, ये आपके लिए। अगर किस लिए? इसलिए कि मुझे लगता है कि फूलों से ज्यादा खूबसूरत कोई तोहफा नहीं होता। मगर मेरे नजदीक नहीं। क्यों? क्योंकि इन बेचारों को कोई तोहफा देने के लिए तोड़ लेता है, और ये इंसान के पास ज्यादातर टिकते भी नहीं, बहुत जल्दी मुरझा जाते। हिबा, फूल तो खिलते ही शाखों पे इंसानों की खुशी के लिए, जब इनको तोड़कर किसी को तोहफा दिया जाए तो ये बहुत खुश होते हैं। शाख पे लगे लगे ये मुरझा जाते हैं और फिर झड़ जाते हैं, तब इनको ज्यादा अफसोस होता है। अच्छा, वेल थैंक्स फॉर योर फ्लावर्स। वैसे आप जैसी यंग, थोड़ी सी नासमझ, खूबसूरत लड़कियां बिल्कुल इन फूलों की तरह होती हैं। इनको पसंद करने वाले सिर्फ तब तक होते हैं जब तक ये खिले हुए होते हैं। जब ये मुरझा जाते हैं तो इनको सिर्फ मसलने वाले रह जाते हैं। हिबा जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह थी हिबा, ना समझी मैं सारे रिश्ते ठुकराती गई, और जब होश आया तो जिंदगी ने मुझे ठोकर मार दी और खुद बहुत आगे निकल। I'm sorry आंटी, मुझे ये ठोकर वोकर कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा खैर, tell me one thing। जी। आपकी मामा थी? हाँ। तो फिर आपका मेरा केस बहुत डिफरेंट है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मामा की डेथ हो गई। उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत से हमेशा महरूम थी, और वो महरूमी मेरे डैड ने पूरी की। मेरे नजदीक मोहब्बत, इज्जत, दोस्ती, इन सब रिश्तों की सिर्फ एक ही माई, वो मेरे डैड। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, और शायद इस नाते से आपका मेरा केस बहुत डिफरेंट है। हाँ, मेरी वालदा हयात थी, लेकिन दुनिया की सबसे खामोश और मजलूम औरत, सारी उम्र मेरे डैड के जुल्म सहते सहते गुजर गए। शायद इसलिए मुझे शादी के लफ्ज से नफरत हो गई, सारे के सारे रिश्ते ठुकराती रही, और फिर एक दिन रिश्ते आने बंद हो गए। जब भाई भाभी की शादी हुई तो मैं अकेली सी पड़ गई। मुझे लगा कि इस तरह जिंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, तब जिससे भाई ने कहा मैंने शादी कर ली, वो एक बहुत बूढ़े साहब थे, बस कैनेडियन नेशनैलिटी और उनकी पैसे देकर भाई ने मेरी शादी की। वो जितने बड़े फ्रॉड थे, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, और शायद तुम्हें इस वक्त समझ भी ना आए। हिबा, मेरे वालिद नहीं थे, और शायद मैं शुक्र करती हूँ, क्योंकि अपनी बेटी को ऐसी बेमायनी जिंदगी देखते हुए
शायद इनको बहुत मायूसी हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम अपने डैड को इस मायूसी से बचा सकती हो। उनके लिए सबसे बड़ी नाकामी होगी ना अगर मुआशरा उनको एक फेलियर समझे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों पे गौर जरूर करोगे। तुम जानती हो कि अहमद को तुम बहुत पसंद हो और वो किसी और से शादी नहीं करेगा। मैं अब चलती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। भाई, तुम्हारी डैड से बात हुई? निभा, डैड वाकई बहुत सीरियस है अहमद के मामले में, और जितना उन्होंने मुझे बताया आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत ही अच्छा लड़का है वो, और ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। प्लीज तुम सोचना जरूर। अच्छा, सोचू? हाँ सोचो, और किसी पॉजिटिव फैसले तक पहुंचो। हाँ ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? देखो, अहमद अच्छा लड़का है या नहीं आई डोंट केयर। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारा और डैड का फैसला क्या है। मगर प्रॉब्लम कोई लड़का नहीं है, प्रॉब्लम डैड की केयर है। तो अगर तुम वाकई ये चाहते हो कि मैं शादी कर लूं, तो तुम्हें अनुषा को लेकर पाकिस्तान आना होगा और हमेशा के लिए यहाँ सेट होना होगा, क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो फिर डैड का ख्याल कौन रखेगा। और अगर तुम ये सब कुछ कर सकते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो ये बात है, प्रॉमिस? प्रॉमिस? सोच लो। सोच लिया। ओके, डन। डन है। लेकिन तुम अनुषा से तो पूछ लो। दुबई में अनुषा नहीं, मैं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की लाइफ ज्यादा सिक्योर और कंफर्टेबल है। बट एनीथिंग फॉर यू माई स्वीट सिस्टर। जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। मैंने इस एतमाद और मोहब्बत के साथ तुम्हारा हाथ थामा कि तुम भी उसी एतमाद और मोहब्बत के साथ मेरा हाथ थामोगे। वादा करो हमेशा मेरा साथ दोगे। ऐसे नहीं, मेरी तरफ देख कर और बोल कर वादा करो। वादा करती हूँ। इस चीज का तुम्हें खुश रखने का वादा। मैं आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं करे? वो कहावत है ना, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। अरे चुप कर जो हसीना। हाँ हाँ, मैं ही मुंह संभाल के बात करूं। अपनी लाडली बहन को मना मत करना तुम। हसीना तुम? क्या तुम? इनसे पूछो ना, ये क्या करती फिर रही है बाहर? क्या हुआ है बात? सब खैरियत है? ओफो, मासूमियत तो खत्म है इन पर। जरा इनको भी तो बताओ, तुम कौन से फ्रेंड से बात कर रही थी? व्हाट? ओह माय गॉड, I'm sorry. इस वक्त मैं आप दोनों से बात नहीं करना चाहती। जाहिर है, शराफत का पर्दा जो फाश हो जाएगा। अरे फरहाना,
जवाब दे दो इसकी बात का और मामला खत्म करो। क्यों जवाब दो भाई, क्यों जवाब दो फजूल बातों का जो उन्होंने खुद क्रिएट की हैं। अच्छा अगर मैंने ये सब चीजें क्रिएट की हैं, तो तुम बता दो ना तुम किससे बात कर रही थी। हमेशा तुम मेरी ही बेइज्जती करवाते आई हो, लेकिन आज मैं देखूंगी कि तुम बगैर बताए यहाँ से हिलती कैसे हो। आपको पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छी तरह से उसे जानते हैं। मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें जरा बता दो तुम किससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर फोन पे बात कर रही थी और बाद में भी बहुत ज्यादा स्माइलिंग फेस था तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, मैं तो जी बिल्कुल। क्या हो गया, आप लोग क्यों इस तरह बात कर रहे हैं? अपनी फूफी साहिबा से पूछो ये क्या गुल खिलाती फिर रही है। आप प्लीज इस तरह बात मत करें, शुजात साहब आए हुए, आपकी आवाजें वहां तक आ रही हैं। अच्छा बेटा हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी काम हो बेटा तो आपने हमें जरूर बताना। डोंट वरी डैड, सब कुछ ठीक है। अच्छा बेटा हम चलते हैं, देर हो रही है। बस एक दरख्वास्त है आपसे कि हिबा का बहुत ख्याल रखिएगा। जी जरूर, प्लीज, थैंक यू। चलें। फरहाना मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन आज हिबा बहुत परेशान थी तो आपने उसको बताया क्यों नहीं कि कॉल मेरी थी, हालांकि आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी इसकी वजह से। हिबा की वजह से? देखिए मैं बहुत ज्यादा एहसास तो नहीं हूँ लेकिन इतना फेयर जरूर हूँ कि अगर आपको मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी तो ये दिल पर बोझ है मेरे। आपने क्यों उठाई ये परेशानी? रहने दें, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाई? व्हाई डजंट इट मैटर? ऑफ कोर्स इट मैटर्स यार। देखिए फरहाना आप मुझसे शेयर कर सकती हैं परेशानी की वजह। कभी कभी आदमी को एक समझदार दोस्त की जरूरत होती है। शुजात साहब, मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि जिंदगी को एक मजे का खेल समझ के गुजारूं, कभी हार नहीं मानी लेकिन अब मैं थक सी गई। मेरे आसपास सब मेरे अपने हैं लेकिन मेरी साथी सिर्फ तन्हाई। आप अपने आप को तन्हा क्यों समझती हैं? आप तन्हा नहीं। फिर कौन है मेरे साथ? आप हैं? तो, मैं हूँ आपके साथ। शुजात साहब इस वक्त मैं एक दोराहे पे खड़ी हूँ, वापस अपने भाई के घर नहीं जाना चाहती, ना ही उस फ्लैट में जाना चाहती हूँ जहाँ वो हमेशा आकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और वापस घर ले जाते हैं। बताएं कहाँ जाऊँ मैं? मेरे साथ, मेरे घर। किस रिश्ते से? जी बताइए कि आप में तो कायल करने की बड़ी काबिलियत है ना? जी है। तो फिर आप मुझे कायल कीजिए कि मैं आपसे शादी क्यों करूं? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अकेला घर है, ना कोई झमेला ना कोई झंझट, और वो जिसका नाम है सास है वो तो संगे मरमर की भी हो ना तो बहुत बुरी होती है। Come on, mom. ये फुप्पो यहाँ पर क्या कर रही हैं? हमारे लिए दोस्त और आपके लिए झमेला, मेरा मतलब है आपकी सास। अरे क्या हो गया समधी जी, मजाक ना करें आप, अब इस उम्र में हम चोचले करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। आपकी उम्र का तो पता नहीं समधन जी लेकिन मेरी उम्र है भी चोचलों की। शहजाद, शहजाद क्या हुआ? ये डैड, ये देखो ये तुम्हारे डैड क्या कह रहे हैं। क्या हो गया? हुआ कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारे डैड शादी करके ले आए। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है बेटा,
हमने शादी कर ली है। I actually got married. आप लोग भी इनकी बातों में आ गए। डैड वैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, लेकिन मैं अब इतना छोटा सा बच्चा नहीं रहा हूं कि आपके मजाक को ना समझ सकूं। ये मजाक नहीं है शहजाद मियां, आप अब ऊपर चलिए, हम आते हैं। डैडी ये क्या है? बेटा ये आपकी आजादी का परवाना है, दरअसल अपनी तन्हाई से लड़ते लड़ते तंग आ गया था, सोचा क्यों ना शादी कर लूं, दैट्स व्हाई गॉट मैरिड। शहजाद मियां दरअसल जिंदगी भर तजर्बे करता रहा, मैंने सोचा एक ऐसा तजर्बा किया जाए जिसमें किसी को सहारा मिले, सो आई थॉट व्हाई नॉट, सो आई गॉट मैरिड। क्या बात है, पूछोगे नहीं कि हमने ये क्यों किया? डैड यू आर जस्ट अनबिलीवेबल। अरे कुछ सोच के बोला करो। और ऐसी क्या बात है, शादी ही तो की अंकल और फूफो ने। हाय अल्लाह, ना किसी से मशवरा किया ना किसी से पूछा और गुल खिला के बैठ गई। ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, देखो फराना पर तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन बेटा तुम्हारे ससुर इतने रंगीन मिजाज निकलेंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। प्लीज आराम से बोले, हिबा सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले, उसके अब्बा ने जो तीर चलाना था ना वो तो कमान से निकल गया, आज मैं बोल रही हूँ कल को सारी दुनिया बोलेगी, फिर तुम क्या करोगे? भैया भैया बने फिरते थे, देख लिया तुम्हारी बहन ने तुमसे मशवरा तक नहीं लिया। ये डैड के बारे में इस तरह क्यों कह रही है? कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ। जी बाबा आपने बुलाया? हाँ बैठो। क्या हुआ, कोई सीरियस बात है? अरे इससे ज्यादा सीरियस बात और क्या होगी, जो कुछ हो चुका है। बाबा फूफी की पूरी जिंदगी आपके सामने गुजरी है, इसमें बुराई क्या है? अगर उन्होंने इतने अजाब सहकर अपने लिए कोई रास्ता तलाश कर लिया। तरीका गलत है रास्ता तलाश करने का। क्या गलत है, शादी तो की है ना। अच्छा तुम इस बहस को छोड़ो, मैंने और तुम्हारी माँ ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? हिबा अब इस घर में नहीं रहेगी जब तक फरहाना अपना फैसला गलत तस्लीम न कर ले और शुजात उसे वापस न भेज दे। अस्सलाम वालेकुम। मामा हम चले। हमसे क्या मुराद? मेरा मतलब है मैं हिबा को छोड़ने जा रहा हूँ, चलो। हाँ हाँ जाओ जाओ, इसे छोड़कर आओ इसके अय्याश बाप के पास। क्या मतलब है आपका? आंटी प्लीज, मैं अपने डैड के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। क्यों नहीं कह सकती मैं उन्हें? हाँ क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा। प्लीज प्लीज बात को समझने की कोशिश करें, चलो यहां से। वैसे शुजात, अगर शहजाद और अनुषा को भी हमारा फैसला समझ आए तो जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसे ही। इंशाल्लाह। डैड। बेटा तुम यहाँ कैसे आई?
वो जब आपको गुड नाइट कहे बगैर नींद नहीं आती ना। चलिए गुड नाइट बेटा, जाइए सो जाइए जाके। गुड नाइट पप्पा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। अरे हाँ, वो भाई और अनुष नजर नहीं आ रहे सुबह से, कहाँ है वो? अनुषा अपनी अम्मी के घर गई हुई है। अब सब ठीक है ना? हाँ। और देखो बेटा, हॉस्पिटल से आ गए उसका ये मतलब नहीं कि आप रेस्ट नहीं करो। वो तो सब ठीक है, लेकिन भाई। अच्छा तो बेटा, रात बहुत हो गई है, आप जाके रेस्ट कीजिए, सुबह बात कर लेंगे। एक्सक्यूज मी, हेलो हिबा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों लग रही हो? डैड, वो मुझे कभी कभी डर लगने लगता है। किस बात से बेटा? सब कुछ बदल तो नहीं गया आपके मेरे भाई के बीच में? कुछ नहीं बदला बेटा, कुछ भी नहीं। आप लोग हमारी जिंदगी हैं, और इसका मतलब समझती हैं आप? समझती हूँ डैड, लेकिन आप ये सब कुछ भूल तो नहीं जाएंगे ना? इसका मतलब है आप नहीं समझती। अगर जिंदगी का मतलब समझती ना बेटा, तो ये सवाल ना पूछती आप मुझसे। मैं तो बस जाइए, जाके रेस्ट कीजिए आप, सुबह बात करेंगे हम आपसे। बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, डिफेंस की सारी खवातीन में बहुत शोहरत है उनकी। अहमद को काबू में कर लेना, तब मैं उनको मानूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे बस वो एक नजर देखते हैं और यूं काम मिनटों में हो जाता है। अच्छा, यकीन ना आए तो मिसेस हाशमी को फोन करके पूछ लो, उनकी बहू ने भी उनके बेटे को आगे लगाया हुआ था। बस एक नजर देखा है इन्होंने, वो दीने और आज का दीने, एक बात को चार चार मरतबा पूछता है माँ से, तब करता है वरना नहीं करता। अच्छा तो तुम उन्हें अंदर ले आओ ना, बाहर क्यों बिठा कर आई हो? अरे मैंने कहा पहले मैं तुम्हें बता दूं, कहीं तुम्हारे मुंह से गलत बात ना निकल जाए उनके सामने। बहुत जलाली हैं, जैसा बोले चुप करके सुनती रहना, जाते वक्त जो भी समझा के जाए ना वही करना होगा, फिर देखना तुम्हारे मसले कैसे हल होते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। एक दफा अहमद अपनी फुफो और बीवी के चुंगल से बाहर निकल आए ना, तो मैं समझूंगी कि मेरा घर जन्नत बन गया। अरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे बाबा जी कितने पैसे लेते हैं? ये तो मैं नहीं बता सकती। हाँ इतना जरूर पता है कि एक एक करके अपना मसला बताते रहे। हाँ उसके बाद वो बता देते हैं कि इस मसले पे कितने पैसे लगेंगे, बस फिर आपका मसला यूं हल हो गया। तुम उसकी फिक्र मत करो, आज तो मैंने आजम की तिजोरी की चाबी भी छुपा दी थी, आजिम को पता ही नहीं लगने दिया। क्या करें, मेरी तो एक ही औलाद है, औलाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो जितने भी पैसे मांगेंगे ना मैं उनको दे दूंगी। हाँ हाँ भाई, इंसान जिसके लिए कमाता है उस पर खर्च नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? औलाद के लिए तो इंसान बहुत कुछ कुर्बान कर देता है। तो फिर बुलाऊं बाबा जी को? हाँ हाँ बुला लो। सोच लो, किसी भी चीज को मना मत करना। नहीं करूंगी मना। बहुत जलाल वाले बाबा हैं वो। ठीक है, तुम बुला लो। ठीक है। क्या करूं, 50,000 ले जाओ, लेकिन बानो तो कह रही थी कि वो कुछ भी मांग लेते हैं, और मना करना किसी बात से। चलो 1,00,000 रुपए ले जाती हूँ। हाय अल्लाह, क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। अहमद के अब्बा माफ कर देना, मैं तुम्हारी औलाद की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। एक दफा काबू में आ जाने दो अहमद को, ऐसी जगह से बहू लाऊंगी कि तुम्हारी तिजोरी छोटी पड़ जाएगी।
सुनो, ये कैसे पीर साहब है? बताया था ना कि बहुत पहुंचे हुए हैं। इस वक्त ये अमल कर रहे हैं, अगर नाराज हो गए तो अमल उल्टा हो जाएगा। अच्छा चलो। तुम्हारा बेटा है जी? अहमद नाम है ना उसका, और हिबा से शादी की है और आजकल ससुराल में रह रहा है जी। ससुराल में रह रहे, पहले अस्पताल में था। अपने ससुराल में रह रहा था, बेटा वापस चाहिए? जी जी पीर साहब, मुझे अपना बेटा अकेला चाहिए। पीर साहब कुछ ऐसा कर दें कि वो हिबा से नफरत करने लग जाए। ससुराल से निकालना पड़ेगा और बीवी से जुदाई भी चाहिए। लाओ पैसे दो। मैं आज शाम दुबई जा रहा हूँ और 10 दिन लग जाएंगे दोनों कामों में। बेटा घर आ जाए ना तो बाकी के पैसे भिजवा देना। अगर बाकी के पैसों में देर की तो बेटा चला जाएगा और फिर कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। खुश रहा करो। क्या कर रही हो? देखा ना, आपको याद रहा ना मुझे, कल हमारी फ्लाइट है। हिबा मेरी बात सुनो जी। तो तुम अभी पैकिंग मत करो। लेकिन क्यों? वो मैं अहमद, सब ठीक है ना? हिबा मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, मगर हम फिलहाल नहीं जा रहे। अरे टिकट्स आ चुके हैं, बुकिंग हो चुकी है, हम क्यों नहीं जाएंगे? आई नो बुकिंग हो चुकी थी, मगर बाबा ने सब कैंसिल करवा दिया और मेरे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। लेकिन अंकल ने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता। अच्छा तो तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या मतलब? अरे नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? एक के बाद एक आजमाइश से गुजरती हो और तुम्हारा कुछ भी ना कहना मुझे मजीद शर्मिंदा कर देता है। कम ऑन अहमद, इसमें इम्तिहान वाली क्या बात है? एक प्लान बना था वो कैंसिल हो गया, सो व्हाट? तुम परेशान होने के बजाय चलो मेरे साथ। कहाँ? भूख लग रही है, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, चलो। Hey Bab, I'm really sorry. इसमें सॉरी करने वाली क्या बात? और वैसे भी तुम मुझे अभी नहीं लेकर जा रहे, लेकिन बाद में लेकर जाओगे। हाँ हाँ जरूर लेकर जाऊंगा, बस मुझे हालात संभालने के लिए कुछ वक्त चाहिए। दे दिया, अब मेरा भी कुछ ख्याल कर लो। क्या मतलब? बहुत भूख लग रही है, चलो। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बेटा, बहुत फ्रेश लग रही हैं। जी आज मैं वाकई बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। भाई माशाल्लाह फ्रेश के साथ साथ सुपर एक्साइटेड, इतने फैंटास्टिक ट्रिप पे जा रहे हैं, दुबई पेरिस पता नहीं कहाँ कहाँ। जी डिटेल तो अहमद को पता है प्लान की। अच्छा तो अहमद भैया कितने दिन का प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो
अब डैड उन्होंने सरप्राइज रखा हुआ है तो ये नहीं चाहते कि वो किसी को बताए। अच्छा ये तो और भी अच्छी बात है, सरप्राइज इज ऑलवेज गुड। शुजात हम सी ऑफ करने जाएंगे ना? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? नहीं नहीं आप लोग क्यों आ रहे हैं? हम लोग चले जाएंगे ना, आप लोग आएंगे आप लोग को तकलीफ होगी। अच्छा ये भी एक सरप्राइज है फिर? हाँ घर से लेकर घर तक सरप्राइज है, लव दिस। अच्छा भाई आप दोनों जाइए, खुश रहिए आप जहाँ भी जाएं, enjoy yourself the most। और एक बात सुनिए, खुशियों के नए नए तरीके सीख के आइए आप लोग, हाँ खुश रहिए। हिबातन होटल में क्या करेंगे? और किसी ने देख लिया तो? मैं भी यही सोच रही थी अहमद, अभी फिलहाल तुम किसी को कुछ बताना नहीं चाहते हैं, ना पप्पू को ना डैड को, तो हम क्या करें? पता नहीं हमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, क्या हमें अपने ख्वाब जीने का भी हक नहीं है? उलझने से कुछ मिलेगा नहीं ना, तो जो कुछ हम कर सकते हैं हम वो कर लेते हैं। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे, अब तुम्हें जो डैड ने चेक दिया है हम वो तो कैश करवा सकते हैं ना, टिकट्स तो हमारे पास है, हम कल वाकई चलते हैं। नहीं मैं इस तरह कहीं लेकर नहीं जाऊंगा, किसी ने देख लिया तो? अर्घा होटल में हमें किसी ने देख लिया तो? जैसे हिबा एक हल है मेरे पास। क्या? दानियाल अपने फ्लैट में अकेले रहता है, हम एक हफ्ता वहां रह लेंगे, जब तक मैं अपनी जॉब भी ढूंढूंगा। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ किसी के देखने की टेंशन भी नहीं रहेगी और दानियाल जॉब ढूंढने में मेरी मदद भी कर लेगा। ठीक कह रहे हो तुम। हिबा आई प्रॉमिस हालात संभलते ही मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां दूंगा। मुझे तुम पे भरोसा है। अच्छा बूटो चलो मेरे साथ पैकिंग करवाओ। तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक है जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? क्या एक बात सुन, या तो दोस्त कहले या तकल्लुफ कह के गाली दे दे मुझे। नहीं यार शर्मिंदगी हो रही है मुझे। वैसे बहुत क्विक सर्विस है तुम्हारी। अरे यार बस जल्दी में जो कुछ हो सका मैंने वही कुछ किया, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा हिबा तुम एक काम करो, किचन में आके मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें कुछ चीजें समझा दूं। चीजें समझा दूं तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कहीं जा रहे हो। अरे जा ही तो रहा हूं मैं। क्या मतलब? अबू बकर से मेरी बात हो गई है, मैं उसके पास हॉस्टल में रहूंगा, तब तक तुम लोग यहाँ पे आराम से रहो ठीक है। चलो हिबा किचन में वेट करो मैं। जाओ अच्छा सब चीजें तकरीबन पड़ी हुई हैं। ये रहा हमारा किचन, फ्रिज में तकरीबन सारा सामान पड़ा है और बाकी जरूरत की चीजें कबर्ड्स में, और इसके अलावा कोई चीज पूछनी हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके ठीक है, थैंक यू प्लीज। अच्छा चाय मिलेगी? मैं चाय बना के लेकर आ रही हूं। थैंक यू। ओके अच्छा मैं चलता हूँ, और कुछ भी चाहिए हुआ तो मुझे बता देना, यहाँ से 10 मिनट के फासले पर हूँ, मैं खुद आके तुम्हें पहुंचा दूंगा। सुनो। अरे क्या है, क्या कयामत आ गई? अरे कयामत ने क्या आना है, वो सर्वर साहब आए बाहर, कह रहे थे कि आज तुमने वादा किया था पैसे देने के लिए। बिठाओ उन्हें, मैं आ रहा हूँ। अच्छा उनके पास वक्त नहीं है भाई, वो कह रहे जल्दी है मुझे, मैं कहीं जाना है मुझे। अरे साइड टेबल पे लिफाफा रखा है, 4.5 लाख रुपए है उसमें, भिजवा दो उन्हें। अच्छा ठीक है। सलाम अलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम।
जी फरमाइए। मैं वो कैटरिंग का बिल लेने आया हूँ। आजम तो घर पर नहीं है, वो नहीं दे सकते। क्या मतलब नहीं दे सकते? उन्होंने तो मुझे बुलाया इसीलिए था। कहा था दे देंगे, लेकिन आपको तो पता है ना, सब कुछ बेटे के हाथ में है। तो मैं क्या करूँ, आप भी कमाल कर रही हैं। आजम कह रहे थे कि आपके पास अहमद का फोन नंबर तो है ना, तो आप उनसे ले लीजिए। हाँ है तो। देखिए अहमद अपने ससुराल में है, अहमद दे देगा या उसके ससुर शुजात दे देंगे आपको पैसे। ठीक है, बात करता हूँ उससे। आजम ने तो मुझसे कहा था आज पेमेंट करने का। हाँ हाँ आपको पेमेंट हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ, आपको अहमद के ससुर का एड्रेस भी सेंड कर देती हूँ आपके मोबाइल पे। देखिए हमारे पास तो जितने पैसे थे हमने सब शादी पे खर्च कर दिए, बिला वजह आप यहाँ के चक्कर लगाते रहेंगे, तो बेहतर होगा कि आप शुजात साहब से जाके ले लें उसके ससुराल में अहमद के। ठीक है। सरवर साहब ये अमाउंट मैं क्यों दूंगा, वो तो बाबा आपको देंगे ना। क्या बाबा ने ऐसा कहा? मगर सरवर साहब मैं इस टाइम ही आप हाँ तो मैं कैसे अमाउंट दूंगा अभी आपको? क्या आप किस तरह की बात कर रहे हैं? शुजात अंकल का इस मामले से क्या ताल्लुक है? खुदाया क्या हो गया है बाबा को? किसका फोन था? सरवर अंकल थे कैटरिंग वाले, वलीमे का सारा अमाउंट मुझसे मांग रहे हैं और ये सब करने को बाबा ने कहा उन्हें। क्या? लेकिन क्यों? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। किसको फोन कर रहे हो? बाबा को। क्या हुआ? नंबर ऑफ है उनका। अब डैड के बारे में क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अगर अहमद पैसे ना दे तो शुजात साहब से ले लेना। क्या? हाँ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बाबा के पास खुद जाता हूँ, आखिर पूछूं तो सही मेरा कसूर क्या है? नहीं नहीं अहमद तुम नहीं जा सकते, तुम्हें पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए। तो फिर क्या करूं, कहीं वो अंकल के पास चला गया तो? कितने पैसे हैं? मुझे क्या पता। तुम एक काम करो उनको कॉल करके यहाँ बुला लो। यहाँ पे पूछो तो सही कि कितने पैसे हैं? अगर हम दे सकते हैं तो हम दे देते हैं। दानियाल को भी बुला लो, हम उसके जरिए पेमेंट करवा देते हैं। ये बात डैड तक पहुंच, मैं नहीं चाहती ऐसा। कहाँ चले गए? वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ है। क्या हुआ अहमद, इतनी इमरजेंसी क्या है? सब खैरियत तो है ना? आहिस्ते बोलो आहिस्ते, बता दो तुम्हें। अच्छा बताओ। तो दानियाल मुझे जरूरी काम था तुमसे। हाँ तो बोलो ना, तुमसे फोन पर भी पूछा था लेकिन तुमने नहीं बताया मुझे। फोन पे नहीं बता सकता था यार। अच्छा अब बताओ। वो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे बोलूं। यार अहमद दोस्त समझते हो ना, तो बताओ। यार तुम्हें तो सारे हालात का पता है ना। देखो मुझे सब मालूम है, तुम बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है। यार दानियाल मैं चाह रहा हूँ कि वापस जाने से पहले घर का अरेंज कर लूं। अच्छा फिर? हाँ मैं घर लेने से पहले घर रन करने का बंदोबस्त करना चाह रहा था। हाँ ये बात तो है। मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी। हाँ हाँ बताओ क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी में? देखो दानियाल पहले तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से जाते ही बाबा से मैं खुद मिलूंगा, मगर अब मैं उनसे नहीं मिलना चाहता और उसकी वजह तुम जानते हो। मैंने सोचा कि किसी और से जिक्र करूँ तो बेहतर है मैं तुमसे बोल देता हूँ। देखो अहमद पहली अहमद बुझवाओ, साफ साफ बताओ क्या हेल्प चाहिए तुम्हें। ओ,
दानियाल, मुझे कुछ रकम उधार चाहिए। कितना? यही कोई 10 से 15 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, मैं बाबा से बात करूंगा। लेकिन अहमद एक बात तो बताओ, ये तुम अंकल वाला ही बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, कोई और क्यों नहीं? भाई बाय प्रोफेशन तुम एक आर्किटेक्ट हो, तो फिर ऐसा बिजनेस क्यों जिसका तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है? हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैं समय लगाऊंगा, पार्टनरशिप दोनों की। देखो दानियाल, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। देखो अहमद, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, अगर तुम समझते हो कि इसमें एहसान है तो हम ऐसा काम शुरू करते हैं जो कम अज कम हम दोनों को आता तो हो ना। देखो दानियाल, काम मुझे वो भी आता है, सारी उम्र बाबा को करते हुए देखा है, और मेरे ख्याल से वो सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वही काम करूँ। तुम अंकल से मुकाबले की बात कर रहे हो, लेकिन उनसे मुकाबला करेगा कौन? मैं करूंगा मुकाबला। दानियाल, मेरा मुकाबला अपने माँ बाप से नहीं है, उनकी बिलावजह और फजूल जिल से। मेरी इज्जत, खैरत, मोहब्बत सब कुछ तबाह करके रख दिया उन्होंने, किसी चीज की परवाह नहीं की। जिंदगी की सजा लगने लगी है मुझे, बिलावजह यहां कैद करके रख दिया है मुझे, ना कहीं आ सकता हूं ना जा सकता हूं। मेरे दिल से रिश्ता उतर चुका है। देखो अहमद, तुम ऐसे कैसे हिम्मत हार रहे हो? हिम्मत नहीं आ रहा, पहली मरतबा अपने रिश्तों को फेस करने की हिम्मत कर रहा हूं। तुम अपनों को तोड़ने की बात कर रहे हो, और एक बात याद रखना, जब तोड़ने की बात करोगे तो सबसे पहले तुम्हारा खुद का दिल टूटेगा। अब क्या दिल टूटेगा? दानियाल फूफा को किए की सजा मुझे और हिबा को बहुत मिल चुकी है, अब मैं हिबा को धक्के खाने नहीं दूंगा। लगता है हिबा उठ गई है। ठीक है भाई, तुम एक बार फिर सोच लो कि तुम्हें आखिर कौन सा बिजनेस करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम अंकल के खिलाफ कुछ कर सकोगे। देखो दानियाल, तुम उस अहमद को जानते हो जो आराम से अपने घर में रह रहा था, इस वाले अहमद को नहीं जो धक्के खा रहा है मुसलसल, जिसकी मोहब्बत को बार बार ठुकराया गया है, जो तुमसे कर्ज ले रहा है। देखो अहमद, लाख दफा तुम्हें समझाया, अगर दोस्त कहते हो तो इस तरह की बातें करके गाली मत दिया करो मुझे। दोस्त समझता हूँ, इसलिए सबको शेयर किया है। अच्छा मैं आता हूँ सब कुछ काम करके, ठीक है? तुम परेशान नहीं होना। देखो कुछ रिश्ते जो कमजोर पड़ गए हैं किसी वजह से, वो इंशाल्लाह दोबारा मजबूत हो जाएंगे, बस अपने इरादे मजबूत रखना। अल्लाह हाफिज़। कहाँ ना परेशान नहीं होना, होना है। दानियाल, अब इसे यहां से ले जाओ। लेकिन भाई, तुम गलत कर रही हो। दानियाल प्लीज, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, और मुझसे इस वक्त कोई बात मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है, अहमद आता ही होगा। लेकिन तुम दानियाल, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है, इसे ले जाओ। ठीक है, जाओ। ओके डैड, वो यही एक फ्लैट में रह रहा है। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट यार, ये कैसे हो सकता है, क्यों करेंगे वो हमसे? डैड, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि वो क्यों करेगा ऐसा, बट आई एम श्योर वो यहीं पर है। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप शहजाद मियां? इतने यकीन से मैं कैसे कह सकता हूं? ये देखे डैड, ये अहमद ही है ना? क्यों क्यों झूठ बोला उन्होंने? I can't understand why would they do that? डैड, जिनकी फितरत में झूठ होता है ना, उनको झूठ बोलने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। लेकिन शहजाद मियां, अहमद ऐसा नहीं है। अहमद बिल्कुल ऐसा ही है डैड। अनफॉर्चुनेटली हमने हिबा के लिए बहुत गलत घराने का इंतखाब किया,
लेकिन ऐसा क्यों करेंगे वो? ये जगह कहाँ है? कहाँ है लोग? डैड, मैं आपको बता के परेशान नहीं करना चाहता, बट आई एम वर्ड अबाउट हिबा। अच्छा किया बेटा आपने, लेकिन जगह तो बताओ कहाँ है। आई थिंक गुलशन के आसपास कोई जगह, एग्जैक्टली तो नहीं मालूम। जब उनका फोन ऑन हो जाएगा तो आई थिंक हमें कॉल कर लेनी चाहिए। करो कॉल। ये रुको यार, मैं फरा से कहता हूँ, वो कॉल करेगी। शायद हमारा कॉल करना मुनासिब नहीं होगा। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि हमारा उसके साथ रिश्ता क्या है, तो हमें भी नहीं होना चाहिए। मैं जरा उससे पूछूं कि उसने झूठ बोला क्यों। बी पेशेंट बेटा, प्लीज। पेशेंस? डैड, मेरी बहन उसके पास है, मैं कैसे सब्र कर लूं? इसीलिए तो कह रहा हूं, सब्र करो ना बेटा, पूछते हैं। डैड, आपका तो जो दिल चाहता है आप करें, सब्र भी करें, पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कॉल आ रही है। कॉल उठा। अल्लाह करे कि सब खैर हो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। किधर हो तुम? वो मैं पूछ रही हूँ, तुम कहाँ हो? मैं यहीं पे हूँ। चुप हो जाओ। हिबा कहाँ है? वो मेरे साथ ही है। अहमद, तुम इसी वक्त घर आओ। वो मेरी बात, मैंने कुछ नहीं सुनना, तुम मेरी बात सुनो, घर पहुंचो। शहजाद को पता है कि तुम लोग कहां हो, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं आ रही हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने कहा ना, चुप हो जाओ अहमद, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। शुजात की तबीयत खराब है, घर पहुंचो। क्या हुआ अंकल को? अहमद, उनकी तबीयत खराब हो गई स्ट्रेस की वजह से, तुम्हारी वजह से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ये करोगे। आज तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया है। आई वॉन्ट हिबा हियर राइट नाउ। ओ फूफो, मेरी बात तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती अहमद, हिबा को लेकर वापस आओ जल्दी। ठीक है, आ रहे हम। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया? हम सबसे झूठ बोला है और मैं इसकी कोई वजह नहीं जानना चाहती अहमद, क्योंकि मेरी सारी मोहब्बत, मेहनत और खलूस के बावजूद अगर तुमने हम में से किसी को इस लायक नहीं समझा कि तुम सच बताओ, तो कसूरवार तो सिर्फ मैं हूं। मैं नहीं हूं तुम्हारी पुप्पो। अहमद, तुम अच्छी तरह से जानते हो इत्मीनान टूटने की क्या अजियत होती है। आज रात पहली दफा मैं किसी से नजर मिलाकर बात नहीं कर पाई। पुप्पो, मेरी मजबूरी। मजबूरी? अहमद, तुम्हारा और मेरा कितना स्ट्रॉन्ग एतमाद का बॉन्ड था, दोस्त थे हम, तुम मुझसे तो शेयर कर सकते थे ना, ऐसी क्या मजबूरी थी? मेरी बात तो सुने। मैं नहीं सुनना चाहती तुम्हारी कोई बात, ना सिर्फ मेरा दिल तोड़ा तुमने। आप ठीक कह रही है, मगर डैड ने मुझे जायदाद से आग कर दिया है। क्या? हाँ, अकाउंट भी सील कर दिया है मेरा। क्यों? आपके और अंकल की शादी करवाने के जुर्म में। उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? पता नहीं अहमद, ये सब तुम मेरे साथ शेयर कर सकते थे, मुझे बता सकते थे। बता सकता था मगर नहीं बता सका, क्योंकि मैं आपकी जिंदगी में मजीद तलखी नहीं भरना चाहता था। पता नहीं ये सब कुछ कैसे पता चल गया। कहाँ थे तुम, किधर रह रहे थे तुम? हिबा को ये सब पता है? हाँ पता है उसको, मेरा फ्रेंड दानियाल उसके घर पे थे। अगर तुम यहीं थे और बाहर घूम भी रहे थे, तुमने ये नहीं सोचा कि कोई तुम्हें देख लेगा? कोई नहीं देख सकता था, एक कमरे में बंद था मुजरिमों की तरह। तस्वीरें भेजी हैं तुम्हारी, पता नहीं कहाँ की। मेरी तस्वीर? कहा हूं कि वहां पे नहीं गया तो फिर नहीं गया। तो फिर उन्हें पता कैसे चला? देखो, मैं हर बात सुन सकता हूं, लेकिन ये इल्जाम नहीं सह सकता कि मैं तुम्हारे साथ और हिबा के साथ सिंसियर नहीं हूं। तो तुम
वाकई वहां पे नहीं गए? तो यार मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं गया वहां पे। तुम्हें नहीं यकीन ना, तो चलो मेरे साथ, वहीं चलो, उठो चलो। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास ज्वेलरी कैसे आई? तुम होते कौन है पूछने वाले? सर बताइए इनको कि मैं कौन हूँ पूछने वाले। बताना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फिराड का केस बनता है। मेरा वादा है किसी से? तुम्हारे वादे की तो सिकत ऐसी ऐसा नहीं, बचपन से दोस्त है मेरा, भाइयों से ज्यादा मोहब्बत की है इसके साथ मैंने। आप खुद ही फैसला करवाए हमारी दोस्ती का, ये कैसे सौदा कर सकते हमारी इज्जत का? बता दें शेख साहब, मुझे यही बता दें, वरना थाने ले जाऊंगा आपको। देखिए मेरी कुछ मजबूरी है, मगर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप मेरे साथ आए। चलें बताएं। अहमदियत अब तो माफ कर दो, खत्म करो बात प्लीज। दानियाल मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस चीज की, एक ही तो तुम मेरे दोस्त हो। हिबा ने तुम्हारी कसम दी थी, इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। अच्छा बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? दानियाल हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, और ठंडे दिमाग से काम लोगे। ये जो भी कह रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। वो कैसे? आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द। तो आपके कहने का मतलब है कि मैंने ऐसे ही छोड़ दें, कुछ ना कहें? इनका तो वैसे कोई भी कसूर नहीं है, मगर आपको सिचुएशन बताई तो थी मैंने। मैं समझता हूँ आपके जज्बात को, ऐसे आप कानून को हाथ में ना लें। मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें, मैं बचाना चाह रहा हूँ आपको इस मसले से। ठीक है आप जा सकते हैं। तो अनुषा की माँ यहाँ क्या कर रही है? अरे हाँ यार, लेकिन आई थिंक कोई शॉपिंग वगैरह करने आई है। लेकिन तुम्हें देखे चलेगी कोई फॉरन लिए? नहीं चलो तुम। आपकी दवाई प्लीज यहाँ रख दीजिए। ले लीजिएगा। अफरा जी प्लीज बैठे हैं। मैं आती हूँ अभी। अरे प्लीज बैठे, बड़ी जरूरी बात करनी। अहमद की सबसे अच्छी बात जो है उसकी खुददारी, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, उससे कोई ठेस ना पहुंचे। शुजा साहब आप मेरी दुकान पर तशरीफ ले आए, एक साहब आपकी बेटी का जेवर मुझे बेच गए। मैंने दानियाल को कहा था अंकल समीर तक ये ज्वेलरी नहीं पहुंचनी चाहिए, वो पहचान लूंगी। फिर ये सब क्या हो गया है, डैड क्या सोचेंगे? तुम इस तरह उठकर यहाँ क्यों आ गई? मेरी ज्वेलरी कहाँ है? हिबा कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन डैड की तबीयत खराब हो गई इसलिए बता नहीं पाई। क्या बताना चाह रही थी, खुल के बात करो। मैंने अपनी सारी ज्वेलरी सेल कर दी। क्या तुमने अपनी सारी ज्वेलरी सेल कर? हिबा क्यों किया ऐसा तुमने? तुम लोग से छुपो।
इस रिश्ते के लिए मैंने कितनी अज़ियतें सही हैं, कितनी कुर्बानियां दी मैंने। कभी तुमसे झूठ, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे जवाब दो, क्यों झूठ बोला मुझसे? अच्छा, सिर्फ मैंने झूठ बोला, तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। बोला अहमद, कह दो कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। तुमने दानियाल से अपने बिजनेस के लिए लोन मांगा, क्यों नहीं बताया मुझे? बोलो। हिब्बा, तो इस बात की इतनी बड़ी सजा दोगी कि तुमने ज्वेलरी सेल कर दी। मैं ये बात जानता था, आप हमें ये बताइए कि आप क्या करती अगर आप हिबा की जगह होती, क्या होती आपकी फील? मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे अहमद और हिबा के बीच में कभी नहीं आना चाहिए था, मैंने गलत फैसला किया। देखिए इस वक्त हमें आपसे ये नहीं पूछना है कि आपका फैसला गलत था या सही, आप हमें ये बताइए कि इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है अहमद, उसको क्या एहसास नहीं है? आप सच पूछे ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी असेसमेंट अहमद के बारे में गलत थी। मेरा अहमद ना तो इरिस्पॉन्सिबल है और ना वो इतना शेमलेस है कि वो अपने बीवी के सहारे जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखे। तो फिर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये? अरे कितने महीने हुए अभी शादी को, सारे जेवर बेच दिए उसने हिबा के, उसको कोई एहसास नहीं है हिबा की फीलिंग का, ये क्या सोचेगी वो? शदीद प्यार करता है उससे, बेइंतहा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता शुजात। आप क्यों मानेंगे? मैं क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन इस वक्त जो आप मेरे साथ कर रहे हैं मुझे बहुत अजीब लग रहा है और ना काबिले बर्दाश्त। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अहमद, कहाँ जा रहे हो, कुछ तो बोलो। जाने दो मुझे, अब कुछ भी नहीं रहा यहां रहने के लिए, न इज्जत, न हिम्मत, न हौसला और न फैसला करने का अख्तियार जो तुमने मुझे खुद दिया था। नहीं अहमद, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, तुम जो फैसला करते हो मुझे पता नहीं होता, जो मैं फैसला करता हूँ उसका इल्म तुम्हें नहीं होता। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है ना सब कुछ ठीक हो जाए। हिब्बा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, मगर वो सब कुछ जो ना चाहते हुए भी दांव पर लग चुका है हासिल करने जा रहा हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, बस मैं नहीं। हिब्बा, हिब्बा मेरी जान, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है और तुम कहाँ जा रहे हो? अहमद, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पता। पता होना चाहिए, बल्कि बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दे रहे हो सबको सजा, खुद को, हिबा को, हम सबको। कैसी सजा? अहमद, ये सजा नहीं तो और क्या है? कभी हमें पता चलता है कि अहमद ने हमसे झूठ बोला है, फिर हमें पता चलता है कि अहमद ने अपना कोई बिजनेस प्लान बनाया, वो भी हिबा की ज्वेलरी के साथ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर क्यों जा रहे हो? फेस करो सबको। फेस कर सकता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। क्या मतलब? क्योंकि मैं तन्हाई काट सकता हूँ, मगर कुछ रिश्तों का भरम टूटते हुए नहीं देख सकता। क्योंकि वो रिश्ते टूट गए, छोड़ नहीं पाएंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, मुजरिम नहीं हो कि फरार हो रहे हो। नहीं पप्पू, अहमद का कोई कसूर नहीं है। दानियाल को चुनरी मैंने दी थी, अहमद को तो पता भी नहीं। मैंने अपनी सारी ज्वेलरी सेल कर दी। पापा, समझाए ना अहमद को, बोले ना अहमद को, अहमद क्यों जा रहे हैं? अब मेरे सामने किसी ने कोई भी सवाल उठाया तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे सामने कौन खड़ा है। जाने दो मुझे। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो,
तो सिर्फ इतना इंतजार कर लो कि मैं तुम्हें इज्जत से लेकर जा सकूं। जब मैं बोल रहा हूं कि वहां पे नहीं गया तो फिर नहीं गया, तो फिर उन्हें पता कैसे चला? देखो मैं हर बात सुन सकता हूं लेकिन ये इल्जाम नहीं सह सकता कि मैं तुम्हारे साथ और हिबा के साथ सिंसियर नहीं हूं। तो तुम वाकई वहां पे नहीं गए? यार मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं गया वहां पे। तुम्हें नहीं यकीन ना, तो चलो मेरे साथ वहीं चलो, उठो चलो। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास ज्वेलरी कैसे आई? तुम होते कौन है पूछने वाले? सर बताइए इनको कि मैं कौन हूँ पूछने वाला। बताना तो पड़ेगा आपको क्योंकि ये फिराड का केस बनता है। मेरा वादा है किसी से? तुम्हारे वादे की तो सिकुड़ कैसी है? बचपन से दोस्त है मेरा, भाइयों से ज्यादा मोहब्बत की है इसके साथ मैंने। आप खुद ही फैसला करवाए हमारी दोस्ती का, ये कैसे सौदा कर सकते हैं हमारी इज्जत का? बता दें शेख साहब, मुझे यही बता दें वरना थाने ले जाऊंगा आपको। देखिए मेरी कुछ मजबूरी है मगर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप मेरे साथ आए। चलें बताएं। अहमदियत अब तो माफ कर दो, खत्म करो बात प्लीज। दानियाल मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस चीज की, एक ही तो तुम मेरे दोस्त हो। हिबा ने तुम्हारी कसम दी थी इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। अच्छा बताओ अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? दानियाल हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं और ठंडे दिमाग से काम लोगे। ये जो भी कह रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। वो कैसे? आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द। तो आपके कहने का मतलब है कि मैंने ऐसे ही छोड़ दें कुछ ना कहें? इनका तो वैसे कोई भी कसूर नहीं है मगर आपको सिचुएशन बताई तो थी मैंने। मैं समझता हूँ आपके जज्बात को, ऐसे आप कानून को हाथ में ना लें। मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें, मैं बचाना चाह रहा हूँ आपको इस मसले से। ठीक है आप जा सकते हैं। हाँ जी हम हो गए यकीन। समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा कैसे कर सकती है। यार अब तो सबूत भी है और गवाहान भी सामने है। हाँ ये तो। हिबा की तरफ चले? नहीं अभी नहीं। यार उनको जाके क्लियर करवाओ, जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं उनको बताओ कि ऐसा कुछ नहीं था। नहीं अभी नहीं, और तुम भी कुछ नहीं बताओगे। लेकिन अहमद यार जो उन्होंने सलूक तुम्हारे साथ किया मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ ये? प्लीज मेरी खातिर। ठीक है ओके मान जाता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या? यार प्लीज हिबा को कॉल करो, वो तुम्हें कब से कॉल्स कर रही थी, तुमने उसकी किसी कॉल का जवाब नहीं दिया बल्कि फोन भी अपना बंद कर दिया था। मतलब जानती हो वो कितनी सेंसिटिव है। अच्छा पूछता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये देखिए मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ बल्कि आपको हकीकत बता रहा हूँ। What this nonsense? अगर एक लफ्ज भी और निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम अहमद के दोस्त हो। देखिए आप भूलें याद रखें मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा फर्ज है बताना आपको, क्योंकि आपकी सो कॉल्ड इज्जतदार खातून की वजह से जिसकी इज्जत बर्बाद हो रही है वो मेरा दोस्त है और जिसको तुम बेइज्जत कर रहे हो वो मेरी सास है। लड़ने नहीं आया बकवास कर रहे हैं। खामोश रहो तुम। लेकिन मैं इसकी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। शहजाद can you be quiet for a minute, let me talk। जी बेटा क्या बात है? मैं असल में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताना चाह रहा था इनको जिनको ये मानने से इनकार कर रहे हैं। फैक्ट्स की तुम्हें? शहजाद अगर तुमसे तहम्मुल से बात नहीं हो सकती तो चले जाओ। कौन से फैक्ट? अगर मैं शायद इस तरह से तो ना बता सकूं लेकिन
फूफो जानते हैं कि अहमद और मैं कितने अच्छे दोस्त हैं। He is more than brother to me. अरे भी तो बताइए ना, आगे भी तो बात बताएं। Come to the point, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। अंकल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अहमद ने ज्वेलरी सेल नहीं की थी, बल्कि मैंने की थी हिबा के कहने पर, उसके फोर्स करने पर। तो ये बात तो वो बता चुके हैं। लेकिन अंकल अगर मैंने जबानी बताया तो यहाँ बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, इसलिए मेरे पास ये CCTV फुटेज है। बेटा क्या है ये? अहमद के बेकसूर होने का सबूत। अगर किसी से कुछ कहा ना तो कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं, समझ गए? हाँ बिल्कुल समझ गया। अच्छी तरह से समझ गए ना? बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसी तरह समझदारी का मुजाहरा करते रहो। लेकिन वो ये सब ऐसा क्यों कर रही है? भाई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस शिट। जी बिल्कुल, हम भी ऐसे ही शॉक थे, लेकिन ये जो कुछ भी आपने देखा ये हकीकत है। अंकल के ज्वेलर तक उन्होंने सामान कैसे पहुंचाया और अंकल को कॉल करने पर मजबूर कैसे किया, आप सब अच्छे से जानते हैं। इवन वो जो अहमद की तस्वीरें व्हाट्सएप हुई थी वो भी उन्हीं के मोबाइल से हुई थी, पहले अनुषे को, फिर आपको और फिर अंकल को। लेकिन सवाल ये कि इस खातून को ये सब कुछ करने की जरूरत क्या महसूस हुई? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ जानता था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बहुत सारी बातें और बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कि अहमद की वजह से आप तक नहीं पहुंच सके। क्या मतलब? अंकल मतलब तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि जैसे शहजाद आपके साथ सिंसियर है वैसे ही अहमद भी आपके साथ सिंसियर है। आप लोगों ने उसके साथ पता नहीं क्या किया, आप में से कोई भी उसको समझ ही नहीं सका। इस सारे मामले में जिस बंदे के साथ ज्यादती हुई है वो अहमद है, लेकिन खैर ये आप लोगों का अपना फैमिली मैटर है, आप लोग इसे अच्छे से रिजॉल्व करना जानते हैं। मैं इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज। ये अनजाने में मैंने अहमद के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर दी। आपने जो कुछ भी किया अनजाने में किया है, लेकिन जिसने सारा गेम प्ले किया है ना अब उसको इस सबसे गुजरना पड़ेगा। शहजाद बेटे मेरी बात सुनो। शहजाद प्लीज इस फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जिंदगी किन किन प्रॉब्लम्स में फंस गई है। क्या हुआ शहजाद? अनुषा तुम जानती हो ना कि अहमद से मेरा क्या रिश्ता है, और ये भी जानती हो ना कि हिबा मेरी बहन है। जानती हूँ, क्या हुआ है? तो फिर किस चीज का बदला ले रही है तुम्हारी मॉम अहमद और हिबा से? What? मॉम और बदला? हाँ हाँ बदला। तुम्हारी मॉम ने क्यों टारगेट किया हमारी फैमिली को? आखिर हमारा कसूर ही क्या था? Are you mad? मेरी मॉम तुम्हारी फैमिली को क्यों टारगेट करेंगी? पागल हो गई हो क्या? पागल नहीं हुआ मैं, लेकिन जो कुछ देख कर आ रहा हूँ ना बहुत सारे लोगों का पागलपन निकाल दूंगा। गॉड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शहजाद, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मोहब्बत करती हो ना मुझसे? करती हो ना मोहब्बत? तो फिर मेरी कसम खाओ कि तुम अपनी मॉम के साथ हमारी फैमिली के खिलाफ किसी भी साजिश में शामिल नहीं रही। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो शहजाद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनुषा मेरी कसम खाओ, वरना आज मैं अपना और तुम्हारा दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। शहजाद I swear मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत सिंसियर हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम शहजाद? छोड़ो मेरा हाथ। इधर आओ शहजाद। क्या बैठो? अगर किसी से और ये देखो ना तो कहीं और बताओ कि तुम्हारी माँ ने हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? समझ गया। अच्छी तरह से समझ गए ना? बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसी तरह समझदारी का मुजाहरा करते रहो। This is not possible.
शहजाद मॉम ऐसा नहीं कर सकती। She has no reason to do this. अनुषे ये तुम्हारी मॉम ही है, उनका भूत नहीं है। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि उन्होंने हमारी फैमिली मेंबर होने के बावजूद ऐसा किया। और तुम इसका मतलब जानती हो ना? मैं इसका मतलब जानती हूँ, मगर हो सकता है मॉम को किसी ने फंसाने की कोशिश की हो। और स्टॉप इट अनुषे, कितना साफ साफ नजर आ रहा है कि अपने कारिंदे को किस तरह समझा रही है। साफ साफ क्लियर गुफ्तगू है उनकी, और तुम अब भी डाउट कर रही हो? नहीं शहजाद, मेरी मॉम ऐसी नहीं है। ऐसी ही है वो, ऐसी ही है। ये जो आपने देखा सब कुछ, सबके लिए शॉकिंग है ना, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। वो अभी भी अपने डैड की मोहब्बत में गुम है या उसको तुम्हारे साथ दुबई में गुजारा हुआ वक्त याद भी आता है? कहाँ मॉम, अभी तक गुम है। ऐसा लगता है वो मुझे तो भूल ही गया है। बस उसने अपने डैड की खिदमत के लिए मुझे रखा हुआ है। शहजाद ने हमारे साथ बदतमीजी की, हिबा के साथ जुल्म हुआ, अहमद को निकाला गया यहाँ से, हमने सब बर्दाश्त किया। शहजाद मियां, आप ये पूछना चाहते थे कि हमने फराह के साथ शादी का फैसला क्यों किया? हाँ, लेकिन ये खातून ही वजह थी। इन्हीं की वजह से? जी हाँ, सबसे पहला मुहर्रिक वही खातून। आपने जब ये सब कुछ सुना तो अनुष, तुम इस सारे मामले में उनके साथ थी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। नहीं शहजाद, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सबका हिस्सा नहीं थी। तो फिर क्या डैड झूठ बोल रहे हैं? नहीं आई सुहे शहजाद, बस उस एक दिन के अलावा जब डैड ने मॉम की बातें सुन ली थी, मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। आई प्रोमिस यू, प्लीज ट्रस्ट मी अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई एम वेरी सॉरी शहजाद, प्लीज मेरी बात का यकीन करो शहजाद, मैं कुछ नहीं जानती थी इसके बारे में, प्लीज ट्रस्ट मी। अनुषे, ओह माय गॉड, क्या हो गया? अनुषे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, बल्कि आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? शी इज प्रेग्नेंट। मुबारक हो। मैं अभी शुजात को बताती हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छुड़वा दूँ। बहुत मुबारक हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। जिंदगी है कि सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रहे हैं। शहजाद, मुझे नहीं पता तुम्हें खुशी हुई है कि नहीं हुई है, या तुम मेरी बात का यकीन करो, मगर मैं फिर भी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अनुषे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। प्लीज ट्रस्ट मी शहजाद, जो फुटेज तुम्हें दिखाई गई उसके बारे में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रही हूं। मैं नहीं जानती कि मॉम ने ऐसा क्यों किया है, वो मेरी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुम इस सारे मामले में मेरे साथ हो ना? बिल्कुल, बिलीव मी, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मॉम ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अंकल ने जो बताया उस पर, लेकिन देखो ना, उस दिन भी मॉम ही सारी बातें कर रही थी, मैंने तो कोई कमेंट नहीं किया ना। प्लीज बिलीव मी शहजाद। अच्छा, खैर तुम स्ट्रेस मत लो। कैसी है? हमेशा की तरह हालात से लड़ रही हूँ। भाई मैं सब कुछ आपको बताना चाह रही थी, लेकिन उस दिन भाभी का रवैया, जानता हूँ। ये बता के तुम खुश तो हो ना? शुजात बहुत अच्छे इंसान है। जानता हूं, लेकिन समझा नहीं पा रहा हसीना को। भाई आपने मेरी सजा अहमद और हिबा को क्यों दी? वो शुजात की बेटी है ना, और तुम उसके साथ खुश हो। इस खुशी की सजा किसी को तो मिलनी है।
कब तक भाभी के गलत फैसलों के साथ साथ चलेंगे? मेरी जिंदगी तो अहमद बिल्कुल बिखर गया है भाई, उससे बात कीजिए, उसे मिले। अब अहमद वैसा रहा ही नहीं, आप उससे मिलेंगे तो आपको समझ आएगी। इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जरिए कुछ रकम भेज दूँ उसे। वो लेगा मुझसे, आप उसको जानते नहीं है। जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तुम उसको समझा दोगी। अब वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। अब इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि तुम उसे समझा ना सको। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ फरमा। मैं जानता हूँ अगर हमारे लिए एक दफा उसके दिल में नफरत पैदा हो गई तो फिर सारी जिंदगी नहीं निकलेगी। भाई किस चीज का इंतजार कर रहे? प्लीज कोशिश तो करें। कर रहा हूँ कोशिश, सर तोड़ कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हसीना टस से मस नहीं हो रही। वो कहती है कि अगर हिबा इस घर में आई तो वो अपनी जान दे देगी। या भाभी तो हर छोटी सी छोटी बात पे अपनी जान देने के लिए तैयार होती है। लेकिन एक बात बता दो, अगर आपने अहमद की मदद जल्द नहीं की ना तो। लेकिन करूं क्या? उसको आपकी जरूरत है भाई, एक दफा मिले उसे, उसका मसला तो सुने। ये भी तो हो सकता है कि आप भाभी के जाने बगैर अहमद को अपने एतमाद में ले ले। कह तो तुम ठीक रही, ऐसा करो कुछ पैसे हैं फिलहाल किसी भी बहाने से उसे दे दो, कुछ खर्चा तो चले ना, फिर मैं कोई सूरत निकालता हूँ। कोशिश करूंगी लेकिन प्लीज देर ना करें भाई, प्लीज जल्दी कोई तरीका निकालिए। हाँ तो शेर साहब कैसे रास्ता भूल गए आज? भाई मैं तो राह भूल गया लेकिन तुम तो वो भी नहीं भूलते। अरे बस क्या बताऊं शेख साहब, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही। हाँ काफी कमजोर लग रहा हो। बस गुजारा चल रहा है। अरे भाई क्या बात है, घर में कोई नजर नहीं आ रहा? अरे अभी घर वालों की सुबह हुई कहाँ है। अच्छा वो अहमद की सुनाओ, ठीक तो है ना वो? हाँ ठीक है भाई, मुझसे तो पक्का नाराज होगा वो। क्यों क्यों नाराज होगा आपसे? यार क्या सोचता होगा मेरे बारे में वो, अगर उस दिन इतनी मजबूरी ना होती ना तो मैं कभी ना जाता पैसे मांगने उससे। कैसे पैसे? यार वो अपने कफील साहब है ना, उनकी पेमेंट करनी थी मुझे उसी दिन। तो उस दिन पैसे मिल गए थे ना? हाँ मिल तो गए थे लेकिन भाभी ने कहा था कि अहमद देगा पैसे। हाँ लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी उससे कहते हुए। मैं कुछ समझा नहीं, कौन से पैसे अहमद देगा, कब किसने कहा आपसे? अरे आजम मियां उसी दिन जब मैं वलीमे की पेमेंट लेने आया था, भाभी ने कहा कि तुमने मना कर दिया पैसे देने को, कहा कि अहमद से ले लो। यार वो पहले तो देने से इनकार कर रहा था, फिर मैंने उसको कुछ अफसोस भी कह दिया, बस उसी की माफी मांगने आया हूँ आज मैं। क्या मतलब है तुम्हारा, तुम उस दिन घर से पैसे लेके नहीं गए थे? यार तुम्हें बता तो रहा हूँ मैं, भाभी ने कहा घर में पैसे नहीं है, अहमद देगा। हसीना हसीना क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ। हाँ बोलो क्या बात है? वलीमे के पैसे किसने दिए थे? वो क्या कर रही हो, बताती क्यों नहीं हो? वो क्या मैंने लगा रखी है तुमने, सीधे ना बताओ। आराम से आजम भाई आराम से,
मैंने कहा है ना, मिल तो गए थे पैसे। बताती क्यों नहीं हो, किसने दिए थे पैसे? आजम वो वो नहीं करो, बताओ किसने दिए थे पैसे? जनाब मैं तो अब चलता हूँ, आप बाद में बात कर लीजिएगा। खुदा। किसने दिए थे पैसे, बताती क्यों नहीं हो? हसीना मैं पूछे जा रहा हूं, बताती क्यों नहीं हो? मैंने पूरे 5 लाख गिन कर रखे थे शेख साहब के लिए, तो तुमने उसे अहमद के पास क्यों भेजा? वो आजम वो क्या वो मैं चाहती थी कि अहमद दे पैसे उनको। क्यों? इसलिए कि वो कंगाल हो जाए और हमारे पास मदद के लिए आए वापस। खुदाया कुछ जुल्म तो इसने मुझसे करवाए थे, जाने में पत्नी क्या क्या कर बैठा उसके साथ। अगर वो पैसे अहमद ने दिए थे तो वो पैसे कहां गए जो मैंने रखे थे? अरे बोलते क्यों नहीं, गूंगी हो गई है क्या? बोलो कहां गए थे पैसे? वो पैसे मैंने कुछ तुम्हें वापस कर दिए थे और कुछ बाबा जी को दिए थे। वो जो तेरे बाबा जी ने वापस किए थे? हाँ हाँ। अरे वो तो 1 लाख रुपए थे, बाकी के कहां गए? कुछ तो मैंने तुम्हें दे दिए थे और कुछ तुम्हारे इलाज पे और अहमद पे खर्च हो गए। इलाज? वो बाबा जी कह रहे थे कि तुम लोगों के ऊपर काला जादू हुआ है, तो उसका इलाज करेंगे वो। नहीं है काला जादू, नहीं है। तेरी गंदी नीयत की कालक हमारी किस्मतों पे पड़ गई है। अरे तेरी जहालत ने तबाह करके रख दिया हमारी जिंदगियों को। अरे तुझ जैसी जाहिल औरतों को कैश करा रहे हैं कुछ लोग, ये काला जादू कुछ नहीं होता। अरे अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ये काला जादू कहां से चल पड़ा? और तू चली जा मेरे घर से, चली जा मेरे घर से। देख मैंने तेरे काले जादू बहुत सह लिए, ना तेरा अल्लाह पे ईमान, ना शौहर की इज्जत, ना औलाद से मोहब्बत। अरे तू तो औरत है ही नहीं, तू खुद चलता फिरता काला जादू है। अरे मुझसे नहीं तो औलाद से मोहब्बत होती तो तुझे बर्दाश्त कर लेता। माफ कर दो, दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। नहीं करूंगा माफ। तू निकल जा यहां से, शक्ल नहीं दिखाना मुझे। दोबारा यहां आई तो तलाक दे दूंगा। तलाक? तलाक का मतलब समझती है ना? आजम क्या हो गया? अरे बहुत बर्बाद करके रख दिया तूने। अरे मेरे घर वाले बुरे, मैं बुरा, अब औलाद की दुश्मन हो गई है। चल चल निकल यहां से। आजम क्या कर रहे हो? निकल यहां से। आजम क्या कर रहे हो? दफा हो जा यहां से। आजम क्या कर रहे हो? निकल मेरे घर से, दफा हो जा यहां से। दोबारा यहां कदम नहीं रखना, समझी? अहमद, अहमद अंकल का फोन। हेलो अहमद, मेरे बेटे माफ कर दे मुझे, अपने बाप को माफ कर दे बेटा। हेलो अहमद बेटा, बोल ना बेटा, माफ कर दे अपने बाप को बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, तुझसे मिलना चाहता हूँ, एक बार आ जा बेटा, एक बार आ जा बेटा, माफ कर दे अपने बाप को। बाबा अब ठीक तो है? हेलो हेलो अहमद, सब खैरियत तो है ना? हाँ। My love,
पापा बहुत मायूसी वाली बातें कर रहे थे, मुझे लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं, मैं जा रहा हूँ। तुम रुको, मैं भी साथ चल रहा हूँ। शूज। बाबा मुझे मुझे माफ कर दे बेटा। पापा क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहा हूं जो बहुत पहले करना चाहिए था। जिस दिन मैंने तुम्हें और हेमा को घर से निकाला था, उस दिन अगर तुम्हारी माँ को निकाल दिया होता तो बहुत सी चीजें टूटने से बच जाती। क्या हेमा को आपने घर से निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया मैंने उसे, घर से निकाल दिया, अपनी जिंदगी से निकाल दिया मैंने उसे। लेकिन क्यों बाबा? अरे बेटा, उसकी जिद होके आगे मेरी जात, मेरी हिम्मत बहुत छोटी पड़ गई थी। हर वो काम जो उसकी जिद और अना की वजह से खराब होता था, वो समझती थी कि किसी के जादू टोने की वजह से खराब हो रहा है। मैंने बहुत सहा बेटा, तुम्हारे बचपन से तुम्हारे साथ, तुम्हारी पुप्पो के साथ, मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया उसने, सब कुछ सहा मैंने, सब कुछ सहा। लेकिन आज तो हद हो गई बेटा, तर तर की ठोकरें खा रहा है। और वो बेवकूफ औरत बेटे के वलीमे के पैसे बहू का जादू खत्म कराने के लिए दे रही है। बाबा प्लीज छोड़े ना, जो होना था हो चुका है, रिलैक्स हो जाए। मुझे बताओ कहां से दिए तुमने पैसे? बाबा मैं सब कुछ बता दूंगा, अभी आप छोड़े ना ये बात कि तबीयत ठीक नहीं, मैं आपके पास ही हूं। बाप हूं तुम्हारा, जिस दिन से तुम गए हो हर रात कांटों पे सोया हूं, कैसे रेस्ट कर लूं? मुझे बताओ तुमने कहां से दिए पैसे? पापा मैं कह रहा हूं ना, बता दूंगा, अभी जरूरी नहीं है सब कुछ। जरूरी है बेटा, जरूरी है। देखो अनस, तुम्हें मेरी कसम, मुझे बताओ कि कहां से दिए पैसे? हेबा ने अपने हक मेहर के पैसे दिए थे मुझे, उसने मेरे बिजनेस के लिए भी अपना सारा जेवर बेच दिया, मुझे बताया था कि नहीं। अब कठपुतली बनकर रह गया हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, मैं किसी को खुश नहीं रख पाया, ना हिबा को, ना आपको, ना ही खुद को। हिबा के घर वाले मुझे धोखेबाज इंसान समझते हैं, मुजरिम समझते हैं। बाबा क्या हुआ? बाबा दानियल, दानियल बाबा, बाबा आंखें खोले, बाबा एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। बाबा हिम्मत करें, बाबा आंखें खोले जल्दी।
डॉक्टर साहब तबीयत कैसी है? I'm sorry. He's no more. वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं अनुषे की मदर हूँ। जी तशरीफ रखिए। थैंक यू। आप किस लिए आई हैं? बताती हूँ अगर आप इजाजत दें तो। वैसे बहुत अफसोस हुआ आपके शौहर का सुन के। बस अल्लाह की यही मर्जी थी। आपकी तो बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई होगी। वो कैसे? मेरा मतलब है आपको कैसे पता चला? आप बहुत यंग लगती हैं। अभी भी लगता नहीं है कि आप अहमद की माँ हैं। और बिलीव मी उसकी शादी में तो आप उसकी बड़ी बहन लग रही थी, माँ तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। अहमद मेरा बहुत छोटी उम्र में पैदा हो गया था, बेजोड़ शादी थी और बस अल्लाह को जो मंजूर। अरे तुम्हारी कौन सी उम्र निकल गई है, 34-35 साल की उम्र में तो शादियां हो रही हैं आजकल। वैसे मौका तो नहीं है ये बात करने का, लेकिन देख लें क्या आपकी नंद के नखरे हैं। ऐसे तो नखरे मेरी बेटी के भी नहीं हैं जैसे आपकी नंद के उस घर में है। वैसे बात आपकी सच्ची है, आजकल के नौ बेहाते जोड़े तो लगता है अपनी शर्मोहया साथ बांध के फिरते हैं, कोई ख्याल ही नहीं है उनको किसी का। यही तो गम खा गया मेरे मियाँ को, किस बद किरदार खानदान से पाला पड़ा है मेरे बेटे का। हकीकत में मैं बहुत परेशान हूँ। जो नखरे जो चोंचले मेरी बेटी के उस घर में होने चाहिए थे वहाँ तो उसकी सास के हो रहे हैं। हैरत है वैसे मुझे। इसीलिए तो मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया, कैसे बर्दाश्त करूँ मैं बेहयाई। हम दोनों का दुख मुश्तरक है, लेकिन आप कहें तो इस मसले से निकलने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो कैसे है? तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मामला, लेकिन यकीन कीजिए अगर ये हो गया ना तो आपके बेटे का घर भी आबाद हो जाएगा और मेरी बेटी का भी। लेकिन काम क्या है, क्योंकि अहमद हसीना का वाहिद सहारा है। बस बस आप लोगों को ना मेरा साथ देना होगा। आप लोग मिले थे? कब और कहाँ? जी हम मिले थे एक दिन, मैंने उनको कॉल करके बुलाया था। कहाँ? घर पर? नहीं बाहर। अरे आप लोग मिले थे और आपने हमें बताया भी नहीं। मैं आपको बताने लगी थी एक्चुअली। वो क्या मतलब? क्या अभी तक हम अजनबी हैं, हम सीधी सीधी बात नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ? ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली, हम मिले थे उस दिन। दरअसल क्यों मिले थे? क्यों मिले थे? क्योंकि मैं भाई को फिर आप हमसे झूठ भी बोल सकते हैं? नहीं शुजात। तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला? अरे ये भी नहीं बताया कि आप कब कब मिले हैं और क्यों मिले हैं एक दूसरे के साथ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कब किससे मिलती हूँ शुजात। अगर हमें पता होता तो ये सरप्राइज कैसे मिलता है? कैसे पता चलता हमें कि आप कुछ छुपा भी सकती हैं हमसे? ऐसा कुछ नहीं है शुजात, ट्रस्ट मी। आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझाऊंगी ना? नहीं समझना चाहते हो और ना हम समझेंगे।
अरे आपकी खातिर हमने शहजाद और हिबा दोनों की जिंदगी दांव पर लगा दी, उसका ये सिला मिला हमें कि आप हमसे छुपाती रही। हमने कभी आपसे झूठ नहीं बोला एक भी। आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हम कोई बात सुनना नहीं चाहते। शुजात मेरी बात तो सुने। चली गई? ये क्या तरीका है? ओ खुदाया, हम इस उम्र में किन मसाइल में फंस गए। फरा, ये क्या तरीका है घर से बाहर जाने का? और कैसे जाते हैं? आपने हमें उलझा के रख दिया है फरा। हमारा अपनों पर एतमाद, हमारी जिंदगी, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है, तोड़ दिया है आपने हमारा एतबार। इतना कसूर नहीं है मेरा शुजात। अगर आप ठंडे दिलो दिमाग से सोचे तो आपको। तो किसका कसूर? कौन कसूरवार है आप बताइए हमें। आपका आपका सच, आपकी दोस्ती, आपकी मोहब्बत, आपका एतमाद कुछ भी तो नहीं है हमारा। बताइए आप हमें कौन कसूरवार है। अच्छा चले, हम अंदर जाकर बात करते हैं, मैं अभी नहीं जाती। नहीं, अगर आपने मुझसे बात करनी होती तो कमरे में ही कर लेती, अब जरूरत नहीं। आप हमें अभी बताइए क्यों तोड़ा आपने हमारा एतमाद? किसने हक दिया आपको कि आप हमारी जिंदगी से खेलें? शुजात ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। आप हमें बताइए क्यों तोड़ा आपने हमारा एतमाद? तो मैं आपको जवाब दे दूंगी ना आज रात तक। रात तक? रात तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हमें अभी बताइए, अभी बताइए हमें क्या हो गया आपको। अरे पागल हो गए हैं, पागल हो गए। और इंसान पागल ही हो जाएगा ना जब उसे पता चलेगा कि जिसके लिए उसने इतनी कुर्बानियां दी, अपनी जिंदगी तज की, अपनी औलाद को छोड़ा, हर चीज की कुर्बानी दी मैंने आपके लिए, और बाद में मुझे पता चले कि आप मुखलिस नहीं है हमारे साथ। मेरे खलूस का इस बात से क्या ताल्लुक? हम तभी झूठ बोलते हैं जब हम किसी के साथ मुखलिस नहीं होते। ना तंज मत कीजिए, ना मैं झूठी हूं, ना मेरे खलूस में कोई कमी आई है। प्लीज प्लीज स्टॉप इट। आपकी इन्हीं बातों पे हमने अंधा एतमाद किया था। किया था? तो अब आप मुझ पे एतमाद नहीं करते? हाँ, नहीं है एतमाद हमें, और हो भी नहीं सकता। क्यों शुजात? इसलिए कि हमने आपके खुलूस पर सारे रिश्ते निछावर किए, और आप छुपकर झूठ बोलकर हमसे सारे रिश्ते निभाती रही। इतने इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप मुझ पर? मैंने कोई रिश्ता नहीं निभाया और मैंने आपसे कोई धोखा नहीं दिया। अरे तो धोखा और किसको कहते हैं? किसे कहते हैं धोखा? और देखिए, आप हमसे कोई ऐसी बात कीजिए जिससे हमें यकीन आ जाए कि आपने जो भी झूठ बोला हमारी मोहब्बत में बोला, और कोई वजह नहीं है आपके पास। ठीक है, ना आपको अब मुझ में कोई खुलूस दिखता है, ना मेरे पास कोई जवाब है, और ना अब आप मुझ पर एतमाद करते, तो फिर हम साथ क्यों हैं? मुझे चले जाना चाहिए। ठीक है, चली जाइए। जब आप में अपने झूठ को निभाने का हौसला हो जाए ना, तो फिर हम रह लेंगे इकट्ठा। यानी अगर इस झूठ की वजाहत ना करना चाहो मेरे बगैर रह लेंगे? रह लूंगा, रह लेंगे हम। मैंने मोहब्बत आपकी सच्चाई से की थी लगा। जब आपकी मोहब्बत में सच्चाई ही नहीं है तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना, उसकी कोई वजह देखता नहीं मैं। ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ, वापस नहीं आऊंगी। नहीं है मेरी जिंदगी में कोई जगह किसी ऐसे रिश्ते की जो मुझसे सच बोलकर काम करने का हौसला न रखता हो। नहीं है जगह, और मैं आपको रहकर दिखाऊंगा आपके बगैर फरा। वैसे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आप लोग मेरे अपने ही हैं। अगर
आप बताना मुझे मुनासिब समझें तो किस बात पे बहस चल रही थी? आप लोगों की आवाजें बाहर तक आ रही थी। वो दरअसल आपको तो पता ही है, आजिम तो अब है नहीं है और अहमद अपनी बीवी के चुंगल में फंसा हुआ है, तो मैं अपने भतीजे को बुला रही हूँ ताकि वो आके कारोबार संभाले। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी यही कहूंगी कि बानो ठीक कह रही हैं। यकना शुद्ध दो शुद्ध, पहले ही बानो मेरा सर खा रही है, ऊपर से ये आ गई हैं उसकी हिमायती बनने। देखिए मैं इनकी हिमायती नहीं बन रही हूँ, आपको हकीकत समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हकीकत? कैसी हकीकत? मैं अकेली औरत कैसे संभालूंगी इतने बड़े कारोबार को? बेटा मेरा जाके बहू के चुंगल में फंसा हुआ है। आपको कारोबार संभालने की क्या जरूरत है? तो कौन संभालेगा मेरा सारा कारोबार? आपका बेटा। मेरा बेटा? आप लेकर आएंगी उसे? नहीं, आप उसे खुद लेकर आएंगी। वो कैसे? आप क्यों नहीं आने देती हैं अहमद? साहिर है उस अय्याश बुड्ढे और उसकी मकार बेटी की वजह से, और क्यों? अगर वही दोनों आपके बेटे को धक्के मारकर घर से निकाल दे और वो आपके कदमों में आके पड़ जाए तो? ये ख्वाब देखते देखते मैं अपने शौहर को गवा बैठी हूँ। अब मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है और बिल्कुल ऐसा ही होगा चंद घंटों में। वो कैसे? आप खुद जाएंगी अहमद को लेने वहां। वो मेरी बात नहीं सुनेगा। वो आपकी बात सुनेगा भी और वो लोग उसे घर से बाहर खुद निकालेंगे भी। आप मेरे कहने से एक बार जरा अहमद को फोन करके तो देखें। मैं उसे फोन करूं? अहमद को? किसका फोन है? मामा की कॉल है। अटेंड करें। हेलो। पहचान तो लिया होगा, तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। हाँ बोले, खैरियत? अभी मरी नहीं हूँ और ना ही मैं इतनी आसानी से मरूंगी उस मनुष्य के हवाले करके तुम्हें। माँ मैं फोन बंद कर दूंगा, आपने कॉल क्यों की है मुझे ये बताएं। तुम्हारे घर में बैठी हूँ अनुषे के पास, फौरन यहाँ चले आओ वरना एक तूफान खड़ा कर दूंगी। मेरा घर? मेरा ससुराल? मम्मा आपने मेरा घर रहने ही कहा दिया है। घर मैंने नहीं खराब किया तुम्हारा, तुम्हारी हराफा फुफी ने किया है। मम्मा मुझे आपसे बात करनी है। बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी और यहाँ आना भी पड़ेगा, वरना वो हाल करूंगी तुम्हारा और तुम्हारी फूफी का कि तुम्हें कहीं सर झुकाने को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी बात तो सुने। क्या हुआ? मैं नहीं जानता, लेकिन मम्मा अनुषा के कमरे में कह रही अभी मिलना चाहती है मुझसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें और पप्पो में कोई लड़ाई हुई हो? शायद ऐसा ही हुआ। तो फिर क्या करें, घर चले? हाँ मगर तुम्हें साथ नहीं ले जाना चाहता मैं। लेकिन अहमद तुम कुछ उल्टा सीधा मत कह देना। मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करूँगा, तुम रिलैक्स हो जाओ। तुम ऐसा करो तुम फूफी के पास चली जाना। और अगर डैड और भाई घर पर हुए तो? कुछ भी हो इस मसले को तो सुलझाना है ना। हाँ ये तो है, चलो चलो। फोन तो करवा लिया आपने, वो थोड़ी देर में घर भी पहुंच जाएगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं तो यहीं बैठी हुई हूँ। वैसे मैंने अनुषे से सब कुछ तय कर लिया है और मजे की बात तो यह है कि अनुषे के अलावा उस घर में कोई है ही नहीं। मैं तो अपना पूछ रही हूँ कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, आप पूरे घर वालों की स्टोरी मुझे बता रही हैं। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि आपके बगैर जाए अहमद उस घर से निकल जाएगा। जी मामा कहाँ हैं आप? मैं वो अनुषा के कमरे में हूँ। अनुषा के कमरे में? मगर मामा वहाँ क्यों? तुम जल्दी से आ जाओ तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है आता हूँ। ये अनुषा मामा कहाँ है? मामा? मामा का यहाँ क्या काम? नहीं उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था इसलिए मैं आया हूँ। अनुषे
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, शहजाद, हाथ कैसे लगाया मुझे? कर क्या रही हो तुम? तुम पागल तो नहीं होगी? निकल यहाँ से! मगर ये सब कुछ करने की वजह क्या है? बकवास बंद करो! Get lost! निकल यहाँ से! ये ले जी आप। अनुषे क्या हुआ? अनुषे टेल मी क्या हुआ? शहजाद, शहजाद मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि अहमद ने कितनी घटिया हरकत की है। वो इतना थर्ड क्लास कैसे हो सकता है? तुमने मैं हम कैसे हिमा को बताएंगे? तुम्हें पता उसने क्या किया? उसने मेरा बाजू पकड़ा जब मैं तुम कमरे में नहीं थे, तो वो यहाँ पर आया, उसने मेरा बाजू पकड़ा। उसने इतनी घटिया हरकत की, उसकी जुरत कैसे हुई? मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं शहजाद, प्लीज प्लीज तुम मत जाओ। अंकल को भेज दो वहां पे, पुलिस को बुला लो, तुम खुद मत जाओ प्लीज। शहजाद छोड़ दो मुझे, मैं खुद जाऊंगा और अभी जाऊंगा। नहीं शहजाद प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, मत जाओ। डोंट बी सेंटिमेंटल, इस मसले को हल करना होगा और मैं खुद करूंगा। नहीं शहजाद। आपका फोन कहाँ है? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। आंटी ने आपको क्यों बुलाया था? बताता हूँ सब। अहमद खैरियत तो है ना? अहमद बोले ना, हुआ क्या है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ मगर यहाँ नहीं। यहाँ क्यों नहीं? प्लीज पप्पू, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या हो गया अहमद? आपने पप्पू के सामने क्यों नहीं बताया? हुआ क्या है? अनुषे, अनुषे मुझे अपने साथ। अपने साथ क्या? मैं जो कहने वाला, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा किस तरह बताऊं, और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया गया है? क्या हुआ है? अनुषे ने मुझे अपने साथ रैम टेप में फंसाने की कोशिश की है। क्या? मगर अनुषा ऐसा क्यों करेगी? प्लीज मेरे यकीन करो, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। चुप हो जाए प्लीज, ये दिल पड़ जाएगा। लेकिन चुप हो जाए अहमद, चुप। तुम तो मेरा भरोसा करो। जानती तुम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन अनुषा मेरी मेरी भाभी है। उसने ऐसा क्यों किया? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों किया जा रहा है मेरे साथ। उसने तुम्हारी और मेरी इज्जत के साथ खेला है अहमद। इबा मुझे बाकी किसी की परवाह नहीं, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। अल्लाह जानता है कितने कर्ब से मैंने यह सारा रास्ता गुजारा, और अगर तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो इबा मैं मर जाऊंगा। तुम ये सोच भी कैसे सकते हैं अहमद कि मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगी? अगर अनुषा की जगह कोई भी लड़की होती तो मेरे दिल पे यह कयामत ना गुजरती। ठीक है बाय। क्या कहा है बाने? वो कह रही है जब तक यह सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता वो नहीं आएगी। सही कह रही है। कैसे सही कह रही है? बगैर सबूत के वो ये बात किस तरह समझाएगी? बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। देखो तुम जानते हो ना कि हम गलत नहीं हैं, और
सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। मैं सबर नहीं कर सकता और ना ही उसे वहां छोड़ सकता हूँ। आप जानती है ना अनुषा कितनी मकार औरत है। अहमद अनुषा जितनी मकार है ना उससे कहीं ज्यादा हिबा समझदार है। मैं बच्चियों को अच्छी तरह से जानती हूँ, ट्रस्ट मी। ना ही मैं बुजदिल हूँ ना ही गलत और ना ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकता हूँ। मुझे अपनी सफाई देनी है। तो मैंने कब कहा है ये? मैं खुद भी नहीं चाहूंगी, बस कोई रास्ता नजर तो आने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगी ना अहमद। आपकी गिरफ्तारी के वारंट है मैडम, आप पर हसीना बेगम की तिजोरी से माल गायब करने का इल्जाम है। क्या क्या कह रहे हैं? ये सब आप थाने जाकर बताइएगा, फिलहाल आपको मेरे साथ चलना होगा, ले चलो इन्हें। देखिए आप मेरी बात तो सुने, एक सेकंड रुक जाएं आप लेकर आप मेरी बात। भाभी क्या कर रही हैं आप? सारी जिंदगी आपके जुल्म बर्दाश्त किए लेकिन अब तो आपने हद ही पार कर ली है, क्यों कर रही हैं आप इस तरह से? चलो चलो, जो कुछ किया है ना वो भुगतना पड़ेगा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैंने किया क्या है? अच्छा जी, अभी आपने कुछ किया ही नहीं है। मेरा घर, रुपया, पैसा सब कुछ तो मुझसे छीन लिया है और अभी कहती है मैंने कुछ किया ही नहीं है। मुझे अपने लॉयर को तो कॉल करने दे। ले जाए इसको थाने। क्या किस तरह आप क्या कर रहे? जी जी मैं पहुंच जाऊंगा। जी जी अरे हम आपसे पूछ रहे हैं जुर्रत कैसे हुई, जुर्रत कैसे हुई कि आप मेरी वाइफ को यहाँ लेके आए? सर आवाज आहिस्ता भी रखी जा सकती है। आवाज आहिस्ता करूं मैं? आवाज आहिस्ता क्यों रखूं मैं? अरे किस कानून के तहत एक शरीफ खातून को आप ले आए हैं हवालात में? छोड़िए उसे। ले आते हैं, जरा जमानत के कागज तो चेक कराएं आप। ये लीजिए। आप जिनके लिए इतना चिल्ला रहे हैं ना, चोरी किए उन्होंने। चोरी? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे वो पिंदियाई शरीफ खातून है, चोरी की बात करे कैसे चोरी करेगी वो? सुनो मैडम फरहान को लेकर आओ। चलें आपसे कोई मिलने आया है। हम बहुत शर्मिंदा हैं, जिंदगी ने इतना उलझा दिया है हमें, सारे रिश्ते बिखरते जा रहे हैं हमारे। I'm really sorry। चले। काश मेरी बेगुनाही का कोई तो सबूत होता। एक सबूत है अहमद। कैसा सबूत? ये वीडियो। कैसी वीडियो? आपको याद है कि जब आप आंटी के पास गए थे और आपने उनसे पूछा था कि उन्होंने आपको अनुषा के कमरे में क्यों भेजा, तो न जाने क्यों मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया और ये वीडियो बना ली। मैं जानती हूँ अहमद मैंने बहुत गलत किया, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन इसमें तो मम्मा। आई एम सॉरी अहमद, अब हमें किसी के लिए भी वेट नहीं करना वरना वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ये बात तुम प्लीज अहमद। मैं देखता हूँ। देखता हूँ अब कौन सा ड्रामा करवाना चाह रहा है अनुषा और अहमद की माँ से मिलकर। लेकिन नहीं, ये मुझे ट्रैप करवाना चाह रहा है, फिर मैं इनकी किसी चालबाजी में नहीं आऊंगा। अच्छा प्लीज आहिस्ता बात कीजिए, कहीं शहजाद ना सुन ले,
वो यही है। सुन ले तो सुन ले, मैं मजे तुम्हारे इस फ्रॉड में साथ नहीं दे सकती। अच्छा प्लीज देखिए आहिस्ता बात कीजिए, कहीं शहजाद ना सुन ले, वो यही है। नहीं सुन रहा वो, मेडिसिन लेने भेजा था मैंने उसे। और सुन ले तो सुन ले, मैं मजीद इस फ्रॉड में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। उस दिन तुम्हारी अम्मी की वजह से मैंने ये झूठ बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो। इससे ज्यादा इस झूठ में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। शहजाद कैसा झूठ? वो शहजाद मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं। तुम बकवास बंद करो। तुम मुझसे इतने बड़े बड़े ड्रामे करती आई हो, मुझसे जो तुम्हारे लिए जान देता है? नहीं तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम ऐसे नहीं बताओगी तो मैं उन्हीं लोगों के पास लेके जाता हूं जिनके लिए तुम ये ड्रामा कर रही हो। नहीं शहजाद रुको, अब सुनने के लिए कुछ नहीं रहा, चलो मेरी बात सुनो शहजाद। ये सब क्या हो रहा है? अब कहाँ लेकर जा रहे हैं मॉम आपको? क्या कसूर है इसका मॉम? मॉम ये क्या हो रहा है? क्या कसूर है मेरी मॉम का? बहुत बड़े बड़े कसूर हैं बीबी इनके। इनकी गिरोह का एक बंदा हमारी हिरासत में है। आपने जो जेवर दिया था ना इसको बेचने के लिए, वो भी हमारे पास है। बहुत पहुंची हुई चीज है ये बीबी। बानू के केस में भी बराबर की शरीक है, बल्कि उस आदमी ने सारे काले करतूत बताए हैं इसके। क्या ये थाने आके मालूम कीजिएगा, ले चलें इसको। नहीं आ जाएं। मॉम हटो हटो। मॉम चलो मॉम। शहजाद शहजाद हाथ मत लगा मुझे। कितना घिनौना और सपाक चेहरा है तुम्हारा। अब भी कुछ रह गया कहने के लिए? नहीं शहजाद प्लीज मेरी बात सुनो, ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया था। मुझे पाने के लिए तुमने मेरी खुशियों मेरी जिंदगी को तबाह कर डाला। इस दिल से जुड़े हर रिश्ते को तोड़कर तुम इसी दिल में बसने की कोशिश कर रही। मोहब्बत तो अपना सब कुछ वार कर हासिल की जाती है अनुशे, किसी को लूट कर नहीं। शहजाद प्लीज। मर गया शहजाद और तुमने मारा है उसे, तुम कातिल हो अपनी मोहब्बत की। शहजाद मेरी बात सुनो प्लीज। अजवा बेटी कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है मेरी बेटी? वो ज़ारा नहीं है। क्या? ज़ारा घर पे नहीं है। ज़ारा घर पर नहीं है? जब मैंने कहा था मुझे आज उससे मिलना है तो वो कहीं और क्यों चली गई? किससे मिलना है आपको और किस रिश्ते से मिलना है? वाह असर तो है हमारी खून का हमारी बेटी में। जो तुम्हारी आंखों में गुस्से का समंदर टाटे मार रहा है ना, अरे यही तो हुस्न है हमारे खानदान का। कौन सा खानदान, किसकी बेटी? असर तो है लेकिन बाप से दो कदम आगे का गुस्सा है तुम्हारा। बकवास बंद करें आप अपनी। और आपकी बेटी तो पैदा होने से पहले ही मर गई थी, उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने मेरी माँ को तलाक दी थी। नफरत है मुझे आपसे, शदीद नफरत। चुप हो जाओ चुप हो जाओ, पागल हो गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ मैं पागल। मेरी पैदाइश ताना थी ना इनके लिए, तब किस मुंह से आई यहाँ पर? और इनको किसने हुक दिया मेरे बारे में सोचने का भी? चुप।
तेरी ये बकवास सिर्फ इसलिए सुन ली के बेटी समझ कर आया था तुझे, वरना वरना क्या? हाँ वरना क्या, जान ले लेते ना मेरी, ले ले मेरी जान। अरे बुजदिल हैं आप, दौलत के पुजारी, अपनी बेटी का सौदा करके आए हैं वहां पर अमेरिकन बिजनेस पार्टनर से। अरे थूकती हूं मैं आपकी इस मर्दानगी पर। बस अब एक लफ्ज और नहीं, तू आज ही जाएगी और आज ही मैं तेरी शादी करूंगा, चल। एक मिनट, कहीं नहीं जाएगी ये। कौन हो तुम और होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि ये जाएगी या नहीं जाएगी? जब कह दिया कि ये कहीं नहीं जाएगी तो फिर कहीं नहीं जाएगी ये? वही तो पूछ रहा हूं, वही तो पूछ रहा हूं कि किस रिश्ते से कह रहे हो, बोल बोलो, पत्थर के क्यों हो गए? क्या कहना चाहते हो तुम? कौन लगती है ये तुम्हारी बीवी है? ये मेरी निकाह कर चुका हूं मैं इससे, और अब तुम इससे जिस भी लहजे में बात करोगे मैं तुमसे उसी लहजे में बात करूंगा। क्या बीवी है तेरी? क्या क्या बकवास कर रहा है ये? है ये वो ये अकला क्यों रही हो? साफ साफ बताओ बात क्या है। अकला ये नहीं, नहीं आप ऊंचा सुनने लग गए। डैनियल ने भी कहा ना आपको कि हम शादी कर चुके हैं। शौहर है वो मेरा। सुन लिया, हो गया यकीन? मेरी इजाजत के बगैर किसी भी कानून के तहत तुम इसे कहीं पर नहीं ले जा सकते, समझ गए? मना किया था ना कि मेरी मर्जी के बगैर कोई फैसला मत करना। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे ये फैसला, बहुत महंगा। लेकिन कुछ तो करना होगा ना सारा। हाँ मैं कब कह लूं कि कुछ करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं है बा, ये सिर्फ मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है। दानियल क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दे? तुम तो उसे जानती हो, दोस्तों पे जान कुर्बान करने वाला इंसान बहुत मुखलिस शख्स है। हाँ वो तो है हिबा, लेकिन हमें उसके खुलूस का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो हम क्या करें, हम तुम्हें इस तकलीफ का शिकार होते हुए देख भी तो नहीं सकते। तुम्हें पता है जब से मुझे और अहमद को ये सारी बातें पता चली हैं, हम कल पूरी रात नहीं सोए, सिर्फ यही सारी बातें सोचते सोचते। हाँ मैं जानती हूँ, और तुम लोगों का बहुत बड़ा सहारा है मुझे, लेकिन है बाप मैं अपनी जिंदगी के लिए बड़ी कुर्बानी नहीं मांग सकती हूँ। तुम किसी से कोई कुर्बानी नहीं मांग रही, दानियल खुद तैयार है सब के लिए। लेकिन है बाप वो अकेला तो नहीं है ना, पूरी फैमिली है उसकी, और मैं से कैसे किसी के खानदान में जबरदस्ती। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, दानियल तुम्हें बहुत पसंद करता है सारा, और उसकी फैमिली को भी कोई एतराज नहीं है। तुम लोग मिलकर मुझे, हिबा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग मुझ पर तरस खाकर मुझे अपना रहे हैं। सारा तुम पागल तो नहीं हो गई हो?
किसी के पुरखलूस दिल पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाते। तुम जानती भी हो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा परेशान दानियाल है, और अगर तुम मुतमईन नहीं हो तो उससे खुद बात करके देख लो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस पर एक बोझ बन रही हूँ। जारा तुम मीना हाँ दानियाल तुम अंदर आ जाओ। अरे बाबा नहीं है आंटी आओ। ओके खुदा हाफिज़। बाबा उसे ऐसे चुप हो जाओ आने दो अब उसके मुंह से सुनना। सबर कर लो जो होगा अच्छा होगा बेफिक्र। जी सब खैरियत। उधर तुम्हारे बाबा और अहमद तुम दोनों के निकाह के अरेंजमेंट्स के लिए गए हो और इसे देखो ये कह रही है कि तुम्हारी जिंदगी पे बोझ बन रही है। बोझ हाँ बोझ तो है दिल पर। क्या? हाँ जारा एक तो इस बात का बोझ कि सब कुछ इतना जल्दी क्यों हो रहा है, और दूसरा ये कि तुम सब दुख सब परेशानियां इतने अरसे से अकेले बर्दाश्त कर रही थी। I'm sorry. अरे नहीं इट्स ओके। बस तुम चिड़चिड़ अच्छी लगती हो लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तुम पूछ रही थी ना कि दिल पे क्या बोझ है, तो तुम्हारे ये आंसू ये दिल पे बोझ है। हम सब तुम्हें कभी इस तरह नहीं देंगे। सुन लिया खुश बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। मैंने बहुत ही मोहब्बत और एतमाद के साथ तुम्हारा हाथ थामा है, और मुझे उम्मीद है कि उसी मोहब्बत और एतमाद के साथ तुम भी मेरा हाथ थामोगे। फाइनली हमने होटल रूम में चेक इन कर लिया। अब हम 15 दिन के लिए यहीं पर रुकेंगे। ओके क्या हो गया जारा कम ऑन। देखो हम 2 घंटे की फ्लाइट लेकर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अब तुम्हारे बाबा तो क्या उनके फरिश्ते भी यहां तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए प्लीज अपना मुंह ठीक कर लो। दानियाल अम्मा वो तो वही है ना। अरे तो क्या हुआ, हिबा और अहमद है ना वहां पर, वो केयर करेंगे उनकी। ओके पक्का ना। इंशाल्लाह। एक अहमद नाम का लड़का है, उसकी माँ तुझे बहुत मानती है। कौन सरकार? हसीना नाम की कोई औरत है। हसीना? हाँ हाँ है तो, बहुत ही कमजोर अकीदे की जाहिल औरत है। उसके बेटे ने मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया है। सरकार आपकी बेटी के साथ? हाँ। हुक्म करें सरकार मैं आपके किस काम आ सकता हूं। सुन वो औरत और उसका बेटा दोनों इसी शहर में रहते हैं, लेकिन तुझे इस तरह से मेरा ये काम करना है कि उनको कानों कान इस चीज की खबर ना हो। सरकार इजाजत है? हाँ
आंटी थैंक यू। तुम बैठो मैं देखती। नहीं नहीं आंटी आप बैठो मैं देखती हूँ। कौन? कौन? अरे अरे क्या कर रहे हो? कौन है अब? तू कहाँ लेके जा रहे हैं? तू कहाँ लेके जा रहे हैं? सब पता चल जाएगा जिसने तुम्हें उठवाया। अब अगर तुम सांस भी लोगी तो उसकी मर्जी से लोगी। कहां रह गई है हिबा? दरवाजा कैसे खुला हुआ है? ये हिबा कहां चली गई? हिबा 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 कहां चली गई? हेलो आंटी। हाँ हेलो। हाँ बेटा अहमद। जी आंटी। वो तुम क्या बाहर आए थे अभी? कहाँ? मेरे घर पे। नहीं आंटी मैं तो थाने जा रहा हूँ, आप बताएं खैरियत है? बेटा वो अभी हिबा बाहर गई थी, वो वापस नहीं आई। क्या? कहाँ चली गई वो? या अल्लाह क्या हो गया? बाबा जी आप? जी आजम को लेकर आया हूँ मैं, चलोगी? हाँ मैं चलूंगी आपके साथ। कहाँ है आजम? बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। वो मुझसे नाराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हाँ तो जल्दी चलो, मुझे आजम से मिलना है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बाबा जी, मुझे आजम से मिलना है। हाँ चलें जल्दी चलें। तुम चलने की तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ आजम से मिलने जा रही हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं गाड़ी में। हाँ बाबा जी के साथ आए, मुझे उनके साथ जाना है। शिकार हाजिर है। अब दिया ना तूने अपनी वफादारी का सबूत। मैं तो पले ही आपके टुकड़ों पर हूं, आपके लिए जान भी हाजिर है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने वफादारों की जान नहीं लेता। तो ये है उस खटिया लड़के की मां। अब देखूंगा कब तक छुपा रहता है और कहां तक छुपा कर रखता है अपने यार को। मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? तू यहीं रह। ठीक है सरकार, जब तक आपका काम नहीं हो जाता मुझ पर हर चीज हराम है। फिर बाद में सोचूंगा कि इसकी दौलत पर हाथ साफ करूं या फिर। समझदार हो गया है। आपका दस्ते शफकत है सरकार। साहब ने जूस भेजा है। नहीं पीना। पी लो वरना साहब नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा ना नहीं पीना।
क्या हुआ? ये शोर शराबा कैसा है? अबे बोलना, चुप क्यों खड़ा है? सरकार, वो लड़की बहुत गुस्से में तोड़फोड़ कर रही है। तोड़फोड़ कर रही? चला मेरे साथ। मैं तो सोच रहा था कि अभी अभी आई हो, थकी भी होगी, लेकिन तुम तो बहुत फनकार रही हो, थकन तो कहीं से नजर नहीं आ रही। बकवास बंद करो तुम अपनी और चले जाओ यहां से। इतना गुस्सा? चला जाऊंगा, लेकिन आज रात तू नाचेगी, फिकर मत कर, जरूर नाचेगी तू आज। समझता क्या है तू खुद? मैं तुझे जान से मार दूंगी। तू मुझे जान से मारेगी? तू मुझे जान से मारेगी? बताता हूं तुझे। चल चल, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़। चल। बे वह लड़की है, इसका क्या चक्कर है? सुन भाई, ये लड़की है ना हेबा, बहुत तेज लड़की है, सुल्तान के भी काबू में नहीं आ रही थी। गाड़ी में इतनी मुश्किल से बैठी है ना, तू सोच नहीं सकता। तू देख के काम करियो सारा, बता रहा हूँ, अब सरकार का तू जानता है, सही है ना? चल हेबा। हिबा को क्यों उठा लाए ये लोग? उसके साथ क्या दुश्मनी है इन लोगों की? उसने बाबा जी का क्या बिगाड़ा है? हिबा, हिबा। अम्मा, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। बेटा मैं तो आप इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है मुझसे? कौन सी बात? यही कि हिबा किडनैप हो चुकी है। तुम्हें कैसे पता चला? अहमद ने, मेरी अहमद से बात होगी ये सारी। सिर्फ मेरी वजह से वो इस अजाब में फंसी अम्मा, और आप मुझे बताने के बजाय उल्टा छुपा रही थी। बेटा मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि वो तुम्हारा जालिम बाप तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। आंटी ज़ारा ठीक कह रही है, हिबा इस मसले में फंसी ही हमारी वजह से। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे। जितना तुम मुझे अजीज हो, इसी तरह हिबा भी मुझे अजीज है। मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र है। अगर आपको मेरी फिक्र होती ना अम्मा, तो सबसे पहले आप मुझे बताती। जारा, जारा मेरी बात सुनो। जारा, आप प्लीज यहाँ आइए, मैं आपको संभालिए। आंटी प्लीज बैठिए बैठिए। तू क्या समझता है कि तू हिबा को यहां से ले जाएगा? हां मैं ले जाऊंगा, और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। अच्छा, तो इतनी हिम्मत आ गई है तेरे में कि तू मुझसे मुकाबला करेगा? मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं कि हिबा कहां है, बताओ, वरना मैं तुझे बताता हूं। Thank you.
भाभी हैं कैसे? आंटी कुछ बोले ना। तू बाहर कैसा है? चल। अरे आंटी मेरे पास, आंटी मेरे पास, आंटी, आंटी। पत्ता फेंको फजल भाई। अरे अब तो ताश खेलने का मजा ही नहीं है। था हमारे भी कोई टाइम, हमारा तूती बोलता था तूती। अबे हल्का हो जा बे हल्का, तूती बोलता था तूती। नहीं मजा आ रहा ना तो उठ के चला जा, मैं इसको बिठा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं फजल भाई, खेल रहा हूँ मैं, खेल रहा हूँ। डालो पत्ता डालो। फजल भाई, फजल भाई, क्या हो गया? वो औरत फिर बाहर आ गई। आने दे बे, आने दे, वैसे ही सुनगुने बेचारे, क्या कर लेगी। एक बे फेंक, आज तुझे कंगला करके छोड़ूंगा मैं। भाई आज तो तेरे यार को कंगला कर दूंगा, कंगला ये लो। बड़ा आया मुझे कंगला करने वाला। पानी पिला यार, सर में दर्द हो रहा है। अभी लाया। मैयत की तरह खड़ा ही रहेगा, पानी पिला। इद्रिस भाई थोड़ा पानी हमें भी दे दो। लो आप भी पियो। हिबा जल्दी करो, हमें यहां से निकलना है। आंटी मगर आपने तो मुझे सुबह पहचाना ही नहीं था। वो मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी, लेकिन इस वक्त हम लोगों को यहां से फौरन निकलना है। तुम जूते पहनो, जल्दी करो।
उठे उठ सावन उठ क्या गई है लड़की घर से जा उस कमरे में देख जल्दी जाके उस कमरे में देख चल तू भी जाके नीचे देख रुको भाई प्लीज रोक लो रोक दो खुदा के लिए हमारी मदद करो क्या हुआ बहन हम लोग बहुत मुसीबत में तुम हमें यहाँ से ले चलो तुम्हारा बहुत एहसान होगा मैं आप लोगों को कैसे लेके जाऊँ मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है खुदा के लिए हमारी मदद करो अच्छा आप लोग परेशान हो गाड़ी में बैठो आएगा क्यों दरवाजा पीट रहा है साहब वो अरे क्या साफ साफ कर रहा है बोलता क्यों नहीं क्या हुआ है साहब वो औरत तो लड़की भाग गया घर से क्या अंधी हो क्या नजर नहीं आता किस तरह गाड़ी चलाते हो तुम लोग भाई माफ कर दे गलती से लगी टेंशन में थी थोड़ी सी मैं तुम्हारे टेंशन में हम मारे जाते अरे भाई माफ कर दे अरे आप मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी भाई आप चले जी अरे प्लीज सुनो तो मैंने कहा ना मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी वो मुझे फराना अपन ने भेजा है वो आपको किसी खतरे से बचाना चाहती है फराना लेकिन फराना तो पाकिस्तान में है ही नहीं उनकी कॉल आई थी मुझे उनके एसएमएस है मेरे पास ये देखें हाँ नंबर तो फराना का ही है मेरा यकीन करें आगे बहुत खतरा है जो शख्स आपके पीछे है वो बहुत ही खतरनाक और अहमद की जान को भी खतरा है लेकिन अब जल्दी फैसला करें मैं किसी की नजरों में आए बगैर आपको किसी महफूज जगह पे पहुंचा सकती हूँ अच्छा ठीक है चलो चलो जल्दी से अंदर आओ जब तक मैं कहूँ तुम लोगों को यही रहना है ये जगह बहुत सेफ है तुम लोगों के लिए लेकिन तुम कौन हो अभी मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बता सकती कुछ भी बताना खतरे का बाइस हो सकता है लेकिन कुछ तो बताएं आप हैं कौन अभी कुछ नहीं बता सकती तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिलेगी यहाँ मगर ज्यादा सवाल नहीं अब मैं जा रही हूँ तुम लोग परेशान नहीं होना मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी तुम क्या कह रहे हो हिबा और अम्मी उसकी कैसे भाग गए हाँ मैं अभी उसी शख्स के घर से आ रहा हूं मुझे उसने और उसके आदमियों ने बताया कि वो वहां से भाग चुके हैं फिर मुझे अब तक कॉल क्यों नहीं की धान्याल कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बड़ी मुश्किल में फंस गए हो अहमद तुम्हें काम करो तुम एसपी को इन्फॉर्म कर दो ताकि वो एक्शन ले ठीक है मैं कॉल करता हूं हेलो अस्थी साहब मुझे पता चला है अम्मी और हिबा उसकी कैसे भाग गए मगर अब तक मुझे कोई कॉल नहीं आई उनकी तरफ से ठीक है ओके फाइन मैं वेट करूंगा आपका ओके क्या कहा एसपी ने वो कह रहे हैं फॉरन एक्शन लेंगे
कोई ना कोई सुराख लगा लेंगे वो। अहमद, हम एक काम करते हैं, हम उन दोनों को खुद ढूंढते हैं। चलो प्लीज कम कम। डूब मरो, डूब मरो बगैर तो। इस दिन के लिए रोटियां तोड़ लेते हैं यहां है? दो औरतों को तलाश नहीं कर सके तुम लोग? माफ कर दें साहब, उन्हें जमीन खा गई क्या आसमान निकल गया? बस थोड़ा सा वक्त दे दें, जिस दिल में भी घुसे ना निकाल के ले आऊंगा बाहर में उन्हें। नहीं है मेरे पास वक्त, तक आया जाम छिन जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो दोनों यहां आएंगी तो दानियाल और अहमद भी काबू में आएंगे। सिर्फ दो दिन, सिर्फ दो दिन का वक्त दे रहा हूं। समझ गए बस। पुलिस को पैसा खिलाओ, अपने आदमी बढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो दोनों मुझे हर कीमत पर यहां चाहिए। आएंगे साहब, जरूर आएंगे। आ जाए तो अच्छा है, वरना अपने भेजे में खुद ही गोली मार ले। जाओ, जाओ अपनी मनु शक्ल लेके। हेलो, मेरी बात गौर से सुनिए, मैं आपके मसले का हल जानती हूँ। कौन बात कर रहा है? वो जरूरी नहीं है कि कौन हूँ, जरूरी ये है कि क्या कह रही हूँ। आपकी मदर को बातें करते हुए सुना है मैंने एक आदमी से। क्या? मॉम को बात करते हुए सुना है? क्या बात? यही कि उन्होंने हिबा का किडनैप करवाया। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, और वो जगह भी मुझे मालूम है जहाँ उन्हें रखा गया। कहाँ है? प्लीज आप मुझे उस जगह के एड्रेस दीजिए, मैं अभी लिख रही हूँ। जी जी हाँ, जरूर लिखिए। हाँ आप लिखवाइए। हेलो हेलो, शहजाद को फोन करती हूँ। इसने फोन क्यों ऑफ किया हुआ है? क्या करूं? हेलो हेलो, क्या अहमद बात कर रहे हो? हाँ अहमद बोल रहा हूँ। हसीना आंटी और हिबा एक ही जगह पर कैद हैं। तुम कौन बोल रही हो? मैं अनुषे बात कर रही हूँ। तुम्हें ये सब कैसे पता? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मगर इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकती हूँ कि उनकी जान को बहुत खतरा है, और अगर मैं खुद वहां गई तो ये खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए तुम्हें जाना होगा अहमद। ठीक है, तुम एड्रेस बताओ मुझे। हाँ मेरे पास एड्रेस है, तुम लिखो। हाँ तुम एड्रेस लिखो। ओके ठीक है। ये क्या कह रहे हो तुम? अच्छा मैं पहुंचता हूं। ओके बाय।
किसका फोन है? अनुषी को किसी कॉल आई है और उसने बताया कि हेबा और आंटी कहां पे हैं। हम दोनों की जान को खतरा है। कौन हो सकता है? यही तो पता करना है। हाँ परेशान मत हो, मुझे तो इसमें भी अनुषे की चाल लगती है। अगर चाल है भी तो हमें हिबा तक पहुंचना होगा, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है डैड, मैं जा रहा हूँ। दानियल, तुम मैसकर शहजाद को साथ ले लो। अगर वो कोई चाल चल रही है तो शहजाद को भी पता होना चाहिए। ठीक है डैड, मैं शहजाद को कॉल करता हूँ, वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यही घर है, पहले ही मैं अंदर जाके सिचुएशन देखता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके? नहीं, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ। अहमद, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हिबा आज इस सिचुएशन में सिर्फ मेरी और ज़ारा की वजह से फंसी है। लेट मी हैंडल, ओके? अहमद, तुम दानियाल को जाने दो, तुम फिक्र मत करो, हम सब साथ हैं। तुम जाओ। ओके। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ अहमद की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। आपको हो रहा है? अहमद आएगा, जरूर आएगा, और वो हमें यहां से लेके जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा तो तूने किया है, बोल तेरी हिम्मत कैसे हुई, बोल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंटी और हिबा को किडनैप करने की? हाँ सच बता, मेरी माँ और मेरी बीवी कहाँ है? बता। ये तो सिर्फ प्यादा है, असल कौन है जल्दी बोल, किसके कहने में किया तूने ये? साहब मैंने नहीं किया, मैं तो चंद पैसों के लिए उनकी निगरानी कर रहा था। साहब झूठ मत बोल, सच सच बता इसके पीछे कौन है, बोल किसके कहने में किया, बोल। छोड़ दो इसको, तुम्हारा असली मुजरिम पकड़ा गया है, बताओ इनको किसके कहने पे किया, बोल किसके कहने पे किया, बता। ये सब मैंने सजीका मैडम के कहने पे किया है। अनुषा की मदर, उन्होंने अपनी बेटी को मारने के लिए पैसे दिए, लेकिन क्यों? क्योंकि वो उनकी सगी बेटी नहीं है। अहमद तुम अंदर जाके देखो, मैं बैग से देखता हूं। अनुषे ये मैंने, Thank you.
ये बाप तुम कभी नहीं रोगे, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहता। अम्मी, तुमने मुझे अम्मी कहा? जी, आप ही मेरी अम्मी हैं। कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए वो सब नहीं करती जो सब आपने हमारे लिए किया। यकीन करें अम्मी, अगर आप ना होती ना तो मैं भी। बस ही बात, आज के बाद ये अल्फाज अपनी जबान पे मत लेकर आना। काश मैंने आसिम की बात मानी होती। मामा प्लीज, अब आप आइंदा नहीं रोएंगे, आपके बच्चे आपके साथ हैं। और अम्मी, अगर आप इस तरह रोएंगी ना तो बाबा की रूह कभी खुश नहीं रहेगी। ये सही कह रही है, बाबा आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं समझ चुकी हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। नो प्लीज, घर चलें।